कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, सब संतन की, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय श्री राधे। नमः पार्वती पर। तृतीय स्कंध प्रारंभ। बिदर्भी और उद्धव जी के समागम से होता है और इस समागम में उद्धव जी ने बिदर्भ जी को सूचना दी कि प्रभु ने चलते समय आपको स्मरण किया था और मेरे सामने ही मैत्री ऋषि को निर्देश किया था कि आप के पास जो विदुर आए तो आप उनके प्रश्नों का उत्तर देना, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करना। और इसलिए मैं मानो प्रतीक्षा ही कर रहा था आपकी, तो अब आपको मैंने सूचना दे दी है, अब मैं बद्रिक आश्रम की ओर प्रस्थान करता हूँ। ऐसा कह करके उद्धव जी तो चले गए बद्रिक आश्रम। विदुर जी आए हैं हरिद्वार क्षेत्र में जहाँ मैत्रेय ऋषि रहा करते थे। वहाँ प्रणिपात हुआ और फिर ये मैत्रेय ऋषि जी, जैसा मैंने बताया, ये व्यास जी के मित्र हैं, महर्षि पराशर के शिष्य हैं। इनकी गुरु परंपरा थोड़ी सी अलग है, कई शाखाएं चल पड़ती हैं। जैसे एक ही गुरु के तीन चार शिष्य हैं, फिर तीन चार शिष्यों की फिर अलग अलग शाखा हो जाती है। तो यह वर्णन है क्योंकि मैत्रेय ऋषि ने अपना प्रवचन आरंभ किया इसके पहले अपने संप्रदाय का स्मरण किया, किस तरह से सब शुरू हुआ। इसमें उन्होंने सर्ग का विसर्ग का तो विस्तार से वर्णन किया और कथा का विकास होते हुए हम देखते हैं कि भगवान नारायण से सृष्टि हुई और उसी सृष्टि के क्रम में सो ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ और फिर क्रम आगे बढ़ा तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का विस्तार हुआ, जिनको लोगों ने मरीचि आदि प्रजापति कहा। प्रजापतियों से सृष्टि का कार्य पूरी तरह से संपादित नहीं हुआ, ब्रह्मा जी चिंतित हुए थोड़े। तो इसे सृष्टि की अभिव्यक्ति के क्रम में मनु महाराज का प्राकट्य हुआ, किससे? ब्रह्मा जी से ही हुआ, लेकिन उनकी काया दो भागों में मानो बट गई, तो काय कहलाए कि हमारे शरीर को फिर काया कहा गया और मनु महाराज के उस पड़ाव से मानो मैथुनी सृष्टि का आरंभ शुरू हुआ। मनुष्य रूपा का परस्पर विवाह हुआ और इनकी पांच संतानें हुई, लेकिन मनु महाराज को सृष्टि के विस्तार के लिए पृथ्वी चाहिए थी। प्रलय काल में पृथ्वी तो रसातल में गए हुए थे, तो इस बिंदु पर तीसरे स्कंद में भगवान वाराह का अवतार होता है और यह एक ऐसी घटना है जिसमें पोषण की याद आती है, ईशान कथा की याद आती है कि जहां पर तो देवताओं की सामर्थ्य तो कुंठित हो जाए, कुंड हो जाए, लेकिन वो काम होना है तो प्रभु अपने तरीके से उसको संपादित करते हैं। तो समूचे जीवों पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु ने पृथ्वी का उद्धार किया, सूकर बने और
गंधक प्रधान जीव है वो सूंघता रहता है, और पृथ्वी का मूल जो गुण है वो गंध है। तो पृथ्वी का पता लगाया उन्होंने सूकर अवतार लेकर के, सूंघते सूंघते पहुंचे रसातल में। और जैसे गेंद को कोई दांतों पर रखे हुए हो, वैसे ही दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठा करके ले आए। इसी क्रम में जय का विवाह हुआ करदम नाम के प्रजापति से, और फिर प्रसूति का जो विवाह हुआ वो दक्ष नाम के प्रजापति से हुआ। सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ वंश का पृथ्वी पर, वो प्रसूति के माध्यम से ही हुआ। और फिर इनके वंश आगे बढ़ते गए तो भागवत भगवान बोलते हैं कि फिर सारी सृष्टि मानो भर गई मनुष्यों से। देवहूति जी का विवाह करदम ऋषि से जो हुआ, उस कथा को हम लोग देख रहे थे। उसमें बीच में प्रातःकाल के सत्र में मन्वंतर की भी बात आई थी। काल का विस्तार और देश का विस्तार, ये दो प्रसंग भी तीसरे स्कंध में जोर से आते हैं। तो जो विद्यार्थी लोग हैं भागवत जी के, विद्यार्थी कहिए या भागवत जी की शरण ग्रहण करना चाहते हैं, तो दोनों एक ही बात है। हाँ, तो उनको उसका अध्ययन करना चाहिए। अपनी बुद्धि को जितना ही हम संकीर्ण बनाते हैं, तो उतना ही उसमें क्षोभ, द्वेष, राग इत्यादि का की संभावना बढ़ती है। बुद्धि विराट से लगी रहे, है ना? आप देखते हैं कई बार व्यक्ति बहुत जब चलता फिरता है ना, भ्रमण करता है, बहुत लोगों से मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, वो हंसता है छोटी बात। अब थोड़ा अटपटा मत मानना। कई बार माताएं घर में होती हैं और वो तो इतने लोगों से मिलती नहीं उस समय, तो दिन भर उनका एक दायरा होता है, और इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन भी थोड़े से लोगों से होती है और उनसे पूरी होती है फिर। और फिर वो महात्मा जी घर लौटते हैं इतने लोगों से मिल मिला करके, माने पतिदेव, उनको लगता है बहुत छोटी बात। लेकिन आप जानते हैं, आप सभी लोग सद्गृहस्थ हो, तो वो उनके लिए छोटी बात नहीं होती। उनके लिए कोई एक छोटा वाक्य बड़ा होता है, उनके लिए एक छोटा सा अटेंशन बड़ी बात होती है, क्योंकि नेचुरली उनका दायरा जिसमें जिस जहाँ से वो अपेक्षा करती हैं वो बहुत लिमिटेड है। या तो बहुत भजनानंदी हों, स्वाध्यायी हों, फिर भी वो चीज़ें रह जाती हैं। आदमी देश का चिंतन करने वाला हो ना, तो जिले का राग द्वेष पकड़ता नहीं उसको, ठीक है ना? प्रांत का चिंतन करने वाला हो तो देश छूट जाता है और दूसरे प्रांत से द्वेष होने लगता है। जिला के साथ आसक्त हो जाए तो प्रांत छूट जाता है। तो बुद्धि को विस्तार देने की आवश्यकता है, समग्रता को अपने गर्भ में लेने की आवश्यकता है। विस्तार कितना है, कितनी बड़ी सृष्टि है। कोई व्यक्ति जो है वो बोलता है, मेरा शहर कहाँ है बताओ, विश्व के नक्शे में। अपने घर में बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी अपना कमरा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे ही विश्व का नक्शा सामने रख दिया जाए, तो जो बहुत महत्वपूर्ण था बिना कुछ किए ही, है ना, वो डिजॉल्व होके जीरो हो गया। बोले, इस विश्व के दायरे में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो
मेरा शहर ही बिंदु भी नहीं पड़ता उस तो उस शहर में, फिर मेरा घर किस कॉलोनी में, वो तो कहीं मेंशन भी नहीं की जा सकती। ये डिसॉल्व कैसे हुआ, उसके लिए साधना क्या की हमने? साधना केवल ये की कि मन का जो फ्रेम था वो बहुत बड़ा हो गया। सो इसलिए देश के विस्तार का वर्णन है यहाँ पर, बहुत बड़ा विश्व है यहाँ वर्णन है, आप पढ़िए, मेरे पास तो सूचना देने का समय है। काल का इतना विस्तार है, निमेश से शुरू करते हैं, पल से शुरू करते हैं कि पंखड़ी में आप सुई चुभाओ तो जितना समय लगता है वो एक यूनिट मान लो, काल की ये यूनिट है। फिर विस्तार करते 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 सत्ययुग इतना बड़ा, फिर चतुर्युगी इतनी बड़ी, और प्रातः के सत्र में सूचना गलत हो गई थी तो 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर, एक मनु महाराज जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का सपोज टू बी 5 साल का कार्यक्रम होता है, सपोज टू बी तो मैंने बोला क्योंकि कई बार आजकल नहीं होता, अब क्या किया जाए, तो मान लेता हूँ मानो इस तरह से एक मनु का शासन लगभग लगभग 71 चतुर्युगी, यहाँ लिखा 6/19 समथिंग, 71 6/19 चतुर्युगी, इतना उनका एक का कार्यकाल है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं, गुणा भाग करते रहो आप, ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है, दिन उनका पूरा हो गया। नींद आती है तो सारा विश्व उनमें सिमटने लगता है और फिर वो सो जाते हैं, जिसको महाप्रलय बोल देते हैं लोग। फिर जब वो जगते हैं तो दिन शुरू होता है तो उसको बोलते हैं कल्प, फिर से कल्प शुरू। ऐसे एक एक दिन वाली, ऐसे इतने बड़े एक एक दिन वाली ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। नारायण, काल का इतना विस्तार, ओफ ओफ ओफ, 100 वर्ष की आयु है महाराज। 50 वर्ष तो ब्रह्मा जी जी गए, पिछला जो कल्प था ना, पाद्म कल्प उसको बोलते थे, अभी जिस कल्प में हम लोग रह रहे हैं वो वराह कल्प के नाम से जाना जाता है और ये द्वितीय प्रहरार्ध का आरंभक माना जाता है। तो संकल्प में उस काल की स्मृति करते हैं हमारे ब्राह्मण लोग, द्वितीय प्रहरार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे कलि प्रथम चरणे। आप देखते होंगे जब संकल्प विधिवत बोला जाता है तो उस काल का स्मरण करते हैं, देश का स्मरण करते हैं, जम्बूद्वीपे भरतखंडे तत्रापि भारतवर्षे भरतखंडे तत्रापि उत्तरांचल प्रदेशे तत्रापि ऋषिकेश क्षेत्रे तत्रापि कोयल घाटी क्षेत्रे, है ना, ऐसे करके करके देश का निश्चय करते हैं। देश का निश्चय, काल का निश्चय, लेकिन काल पूरे विस्तार के साथ एकदम आखिरी यूनिट तक आएंगे, अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ, आए ने, एकदम आखिरी में आते हैं। एवं ग्रह गुण विशिष्टानाम, ऐसे करके बोलते हैं। सो काल देश दोनों का उल्लेख करते हुए विस्तार का विस्मरण नहीं है, यह आपका संकल्प है, आप समझो कितनी गंभीरता है उसमें। तो मैं अशुद्धि न रह जाए इसके लिए मैंने स्मरण किया कि
मनवंतर का जो काल है, नहीं तो मनु महाराज मुझे डांट लेते कि हमारा समय कम कर दिया तुमने, 71 में 14 हिस्से हों तो बहुत मुश्किल है फिर तो। तो मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मैं जाके ठीक बोल देता हूँ। तो महाराज ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल जिंदा जीवित होते हैं ना, तो वो कहा है कि श्री हरि का एक निमेश होता है। बुद्धि फट जाए, और शायद यही प्रयोजन होगा, शायद यही प्रयोजन होगा कि बुद्धि देश काल में उसको इतना फैला दो कि वो फट जाए, संभाल न सके, निर्विषय हो जाए। तो ये काल का वर्णन किया। उसमें जो हमारे स्वयंभू मनु हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं, उनका 71वां तो चतुर्युगी चल रही थी उस समय ये विषय प्रकरण आरंभ हुआ, देवहूति जी को लेकर के कर्दम ऋषि के पास गए। वो सुबह हम लोग बात करते, कर्दम ऋषि एक ऐसे गंभीर तपस्वी हैं, साधक हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं। कर्दम ऋषि की ऐसी भक्ति है महाराज कि उनकी भक्ति, उनकी तपस्या देख करके भगवान नारायण जब प्रकट हुए, देखा ये मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, तो भगवान की आंखें छलक आईं, दो बिंदु गिरे, अश्रु के दो बिंदु गिर गए। इसलिए जिस सरोवर के निकट वो तपस्या करते थे उसका नाम पड़ा बिंदुसर तीर्थ। देखो ऐसी भक्ति थी, लेकिन इसके बावजूद एक विचार ऐसा उनकी बुद्धि में कहीं अटका हुआ है कि ना मुझे संतान चाहिए, मैं विवाह करूं और केवल विवाह नहीं करूं, मेरी एक संतान होवे तब जाके बात बने। अब चाहे जितनी मर्जी उनकी बुद्धि समझाती थी कि आत्मदेव को संतान हो गई तो क्या मिला, बहुत सारे विचार उनको शास्त्रों से मिलते रहे होंगे कि आखिर क्या इतना एक संतान हो जाने में ऐसी क्या बड़ी बात है भाई। लेकिन नहीं जी, बस एक तो चाहिए। तो प्रभु जब प्रकट हुए बोले महाराज हमें एक समान शीला, मेरे अनुरूप एक धर्म पत्नी, यही मेरा मेरी कामना है। भगवान मुस्कराए, बोले उसकी व्यवस्था हो गई, 4-5 दिन बाद ही पहुंचने वाले हैं वो जाएंगे तो मना मत करना, और कर्दम तुम परेशान मत हो, ये विचार मेरी प्रेरणा से, क्योंकि आखिर मुझे आना है सांख्य शास्त्र का पुनः प्रकाश करने के लिए, तो मुझे कोई माता पिता चाहिए, वो योग्य होने चाहिए। कर्दम ऋषि जी को बड़ा आश्वासन मिला होगा। जब मनु महाराज आए, देवहूति की अनुमति देख ली उन्होंने, उनकी मुद्रा से प्रस्ताव किया, तो कर्दम ऋषि ने एक शर्त लगाई। उस शर्त के बावजूद देवहूति विवाह करना चाहती हैं। क्या शर्त है वो? कि संतान होने के बाद मैं परिव्राजक बनूंगा, इसलिए उस समय मुझे आप रोकना मत, तो इस शर्त पर मैं विवाह करूंगा कि संतान होवे और इसके बाद मैं एकदम निकलूंगा वहां से। महाराज देवहूति मान गई, कोई बात नहीं, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई देवों से बढ़कर कोई योगी हो और उसको मैं अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तो उसकी संतान की मैं माता बनूं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता, तो मुझे ये शर्त बिल्कुल मंजूर है। विवाह हुआ ये। अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत् तेजो विभ्रियादात्मनो मे, अतो धर्मान् पारमहंस्य मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। ये 19वां श्लोक है 22वें अध्याय का,
जहां ये शर्त रखी कर्दम ऋषि ने और वो मानी गई, फिर कन्यादान हुआ। ददौ तुल्यां प्रहर्षितः, तो कन्यादान हुआ, मनु महाराज चले गए और अब कर्दम ऋषि फिर से तपस्या में, और देवहूति जी उनको उनके प्रभाव में इतना विश्वास है उनको कि ये जो कर्दम ऋषि हैं ये तो देवों से भी बढ़ के तो समर्थ हैं और हमारे इष्ट हैं, तो उनकी सेवा कर दी। बाल रूखे हो गए उनके, मैले कुचैले कपड़े सी दुर्बल शरीर, राजकुमारी थी और यहाँ पता चला कि बरसात में झोपड़ी टपकती है और कोई मौसम में झोपड़ी रक्षा करने को तैयार नहीं है, सर्दी में ठंडी, गर्मी में लू, बरसात में शावर का काम करती है। ऐसी व्यवस्था है, कर्दम ऋषि अपना साधन भजन करते रहते हैं। बहुत काल बीत गया, कर्दम ऋषि ने देखा ये तो पतिव्रता है, एक निष्ठा है इनकी। बोले देवी मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे अपनी सेवा से ना, बड़ा शब्द लिखा यहां, आपने अपनी सेवा से मुझे खरीद लिया। मैंने आपका अधिकार हो गया मेरे ऊपर, मेरी तपस्या पर, मेरी पूंजी पर। आप जानते हैं भगवान शंकर ने एक बार पार्वती जी को ये कहा था, क्रीत दासोस्मि, कुमार संभवम पढ़िए, तबीयत हिल जाती है सुन के कि सेवा का बल कितना होता है। सेवा से व्यक्ति अधिकार अर्जित करता जाता है। एक साधारण नौकर भी सेवा करता हुआ ने, आप चाहे न बोले, लिखित न अधिकार दें, लेकिन महाराज आपको डांट लेता है मौके पर वो, और आपको बुरा नहीं लगता। बोले आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। बोले क्यों नहीं करना चाहिए? बोले नहीं करना चाहिए था, आप गलती करते हो। सेवा अधिकार प्रदायिनी है, अधिकार केवल नारे से नहीं मिलता। माओ ने कहा कि शक्ति के बिना चेंज नहीं होता और शक्ति बंदूक की नली से निकलती है ना। लेकिन अब ये अधूरी बातें हैं, उसका खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो अधूरी बातें हैं। तो सेवा से ऐसे तृप्त हो गए कर्दम ऋषि, बोले अब मैं क्या करूं बताओ आप। बोले महाराज मैं आपकी भार्या हूं और एक गृहस्थ आश्रम का जो सुख वैभव होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, विहार होना चाहिए, वो उसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आज वो बोलती हैं, बोले आज तक आपने एक घर नहीं बनाया और फिर बात करते हो। बोले कैसे गृहस्थ हो, ये तो मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, मैंने देवहूति की भाषा बड़ी नरम है लेकिन भाव यही है। बोले हर माता चाहती है कि मैं पुत्रवती बनूं, मुझे संतान हो, तो अब इतना विवाह हुए, इतना दिन हो गया तो संतान ही नहीं हुई। कर्दम ऋषि को लगा वो ठीक बात है, गलती हो गई। उन्होंने महाराज घर नहीं बनाया, उन्होंने आश्रम में एक दो कमरे बनवाए, सो नहीं, एक विमान बनाया। उस समय एक विमान बनाया, विमान कामगम क्षत्तः, ये 23वें अध्याय का 12वां श्लोक है। प्रियायाः प्रियम अन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः, कर्दम ऋषि योग में स्थित हुए और अपनी प्रिया का जो भी प्रिय था उसका अनुसंधान करते हुए उन्होंने कहा एक घर और एक दो कमरे क्या बनाना है, जब जो करना है खुल के करो। फिर महाराज एक विमान बनाया, विस्तीर्ण विमान, क्या था वो, कॉलोनी थी एक, टोटल एयर कंडीशन, लिखा है सर्वकाल सुखावहम,
झोपड़ी ऐसी थी हर काल में दुखावहम थी, अब विमान ऐसा बनाया सर्व काल सुखावहम, कोई काल उसमें बाधा पहुंचा नहीं सकता था। बगीचे लगे थे विमान में, मेरे ख्याल से वी हैव नॉट मेड दिस काइंड ऑफ थिंग अभी। बगीचे लगे हैं, उद्यान लगे हैं, तरह तरह के पक्षी कलरव करते हैं, मृग विहार करते हैं, ऐसा विमान है। उद्यान सहित एक बंगला बनेगा न्यारा और वो उड़ता है, एक जगह नहीं है, कहाँ कहाँ गए उस विमान पे चढ़ के लोग, सारे पर्वतों को देखा, सारे जंगलों को देखा, सारे नगरों को देखा, रहते अपने विमान में आनंद मंगलम। दीर्घ काल तक कर्दम ऋषि ने गार्हस्थ जीवन का उपभोग किया, जो प्रतिबंध है वो क्षीण हो गया। माता देवती देवहूति एकदम तृप्त है अपने सुख से, अपनी समृद्धि से, अपने सौभाग्य से, अपने ऐश्वर्य से। अब उनको संतान गर्भ रहा उनको, और 9 कन्याएं हुई, एक ही बार में हुई ऐसा लिखा, 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो अब वादा तो यही था कि अब इसके बाद मैं जाऊंगा, तो जब वो जाने को तैयार हुए तो माता जी ने उनको कहा कि आपका जाना ठीक है, मैंने तो ये वचन दिया था, लेकिन मेरा निवेदन एक है कि मैं फिर भी आपकी भार्या हूँ, मुझे कोई संभालने वाला चाहिए, और ये जो कन्याएं हैं ना इनका वर भी होना चाहिए, कोई कन्यादान भी करने वाला, सब हमारे ऊपर छोड़ के जाते हो आप। और दूसरी बात ये है कि आप अपने कल्याण के लिए निकलो, वो मैं उसमें बिल्कुल बाधा नहीं बनना चाहती, लेकिन मेरा कल्याण करने वाला भी कोई होना चाहिए, मैं आपके संग में विहार करती रही वो ठीक है, लेकिन ये संग बड़ी विचित्र चीज है। माता देवहूति बोलती, अगर दुष्टों का संग किया जाए तो वासना बढ़ जाती है, और अगर संतों का संग किया जाए वही संग असंगता दे देता है। सत्संगत्व निसंगत्व सी। तो अब मेरी जो वृत्ति है ना, वो बोलती हैं देवहूति कि अब बिल्कुल नहीं मन लगता संसार में, तो आप चले जाओगे या तो आप करो उपदेश, वो आप तैयार नहीं दिखाई देते, मुझे अब चाहिए नहीं, दुनिया नहीं चाहिए, आपके दीर्घ काल के संग से, मेरे संग से आपके चित्त में तो कोई विकार आया नहीं, उल्टा हुआ, मेरे चित्त के सारे विकार धुल गए, रजस गया। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म। आज मुझे लगता है कि माया ने मुझे अब तक ठगे रखा। यह आखिरी श्लोक है 23वें अध्याय का। यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। यह संगह, ये 55वां श्लोक देख लो, संगो यह संस्रुतेर हेतु असत्सु। असत लोगों के साथ जो संग है वो संस्रुति का हेतु बनता है, तो वही का वही संग, सैव साधुषो कृतो निसंगत्वाय कल्पते। 55वां श्लोक मिला क्या? देखो कैसी पैनी बुद्धि है, एकदम धारदार जिसको बोलते हैं, यथार्थ है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया, बढ़िया अनुवाद किया, आधे लाइन में कर दिया। बोले कोई महापुरुष का संग हो जाए बस छुट्टी। तो बोले मैं तो अब तक ठगी गई, आप जैसा मुक्तिदम ऐसा कोई महापुरुष के साथ में रही और फिर इसी में खाने पीने विहार करने में जीवन चला गया, आज तो लगता है मैं ठगी गई माया से। कर्दम ऋषि को प्रभु का वचन याद आया, उन्होंने कहा था मैं आऊंगा तुम्हारे घर,
और देवहूति का ऐसा निर्मल वचन सुना उन्होंने, बोले मैं रुकता हूं। रुके महाराज, बोले तो तुम तो वैसे भी व्रत पूर्वक रहती हो, थोड़ा और व्रत पूर्वक रहो, परमात्मा तुम्हारे गर्भ से प्रकट होना चाहते हैं। गर्भ धारण हुआ और बहुत समय बीतने के बाद यहां वर्णन आया, तस्यां बहुतिथे काले, 24वें अध्याय का 6वां श्लोक, तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नः जज्ञेऽग्निरिवदारुणी। बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की, बोलिए कपिल भगवान की। ब्रह्म विद्या प्रवर्तकः ईश्वरः सर्वविद्यानां। देखो, सारी चीजों का स्रोत प्रभु ही है और संरक्षक भी वही है। सो ब्रह्म विद्या लुप्त न हो जाए, प्रभु स्वयं उसका ध्यान रखते हैं। देखो, अवतार ले लिया, किसी ने पुकारा नहीं था, यहां पर किसी ने प्रार्थना नहीं की थी कि पधारो, नो, उनको लगा हमारी चलाई हुई विद्या का लोप होने जा रहा है, सांख्य शास्त्र का लोप होने जा रहा है। तो कार्दमम वीर्यम आपन्नः, कर्दम ऋषि के वीर्य का आश्रय लेकर के देवहूति के गर्भ में गए और वहां से वो प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि प्रकट होती है। जैसे ही प्रकट हुए, ब्रह्मा जी वहां आ गए, उनको एकदम पता चला, आए ऋषि लोग, आए, स्तुति की गई, ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की, कर्दम ऋषि को बार बार बधाई देते हैं, बोले बेटा, क्योंकि उनके तो पुत्र थे, प्रजापति थे, मानस पुत्र थे, बोले तुमने मेरा यश बढ़ा दिया। भाई कोई किसी की संतान के घर भगवान आ जाए तो फिर तो लोग आज जरूर कहेंगे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं तो भगवान का बाबा हूं। अब किसी को दादा भी बनना हो तो ऐसा दादा बने तो फिर कोई बात है। बोले बधाई हो, देवहूति को बहुत आशीर्वाद दिया है ब्रह्मा जी ने। वो स्तुति करके अपने लोक को गए और जो नामकरण संस्कार किया वो स्वयं ब्रह्मा जी ने किया। लिखा है लोके कपिल, 19वां श्लोक है, लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्ति वर्धना। बोले दुनिया में ये कपिल के नाम से विख्यात होंगे, यही इनका नाम होगा। कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, पालने में हैं। कर्दम ऋषि का प्रतिबंध बिल्कुल हट गया, बोले अब नहीं। एक दिन गए वो पालने के पास, प्रणिपात किया, किसको, अपने बालक को, परिक्रमा की, दिव्य स्तुति की है। बोले प्रभु सच अवतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुधर्षभम विविक्ते उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। बोले एकांत में पहुंच के, 26वां श्लोक है, एकांत में जाकर के प्रणम्य समभाषत, प्रणाम करके बोलते हैं, पूरी स्तुति करके बोलते हैं, आप तो महाराज भगवान हो, स्वरूप में ब्रह्म हो और सृष्टि के संदर्भ में सदैश्वर्य भगवान हो। ये 32वें श्लोक में ऐश्वर्य का उल्लेख किया भागवत जी में, जो हमने आपको निवेदन किया था, सदैश्वर्य। यहां लिखा ऐश्वर्य विराग वैराग्य यशोवबोध वीर्यश्रिया पूर्तमहं प्रपद्ये, प्रणाम करते हैं। बोले प्रभु आप पधार गए, अब मुझे अनुमति दो, कृपा करो, अब मैं परमहंसों का जीवन जीना चाहता हूँ। विशोक रहते हुए
पूरी जो शेष आयु है आपके चिंतन में बिताना चाहता हूं। और प्रभु बोल पड़े, गच्छ कामम मया पृष्टः मयि संन्यस्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जयम् मृत्युम् अमृतत्वायमाम भज। 38वां श्लोक है। बोले गच्छ, भगवान बोल देते हैं जाओ जाओ, दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करो, माम भज मेरा भजन करो। किसके लिए? अमृतत्वाय। ये बड़ा आश्चर्य होता है यहां पर। हमने कभी सुनाया होगा ये कथा, ऐसी अद्भुत है, चोट लगाने वाली। भाई परमात्मा आपके घर आए, प्रभु आपका बेटा बन के आया, पालने में सामने है। अच्छा ये भी नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हो, आपने अभी अभी स्तुति की है कि आप प्रभु हो, प्रपन्न हूं आपके, फिर उनको छोड़ के कहां जा रहे हो? बोले साधना करने जा रहा हूं। ये साधना करना, भगवान को पाने के लिए साधना करना, और यहां क्या कर रहे हो? छोड़ के जा रहे चलो मनुष्य से गलती हो जाती है, ऊपर से भगवान ने अनुमति दे दी कि वे हां जाओ। कई बार हम सुनते हैं लोगों को, बस भगवान की एक झलक जाए मुक्ति को तो मैं ठोकर मारता हूं, जैसे मुक्ति सचमुच में उनके पास आई हुई हो और वो ठोकर महाराज अंगूर ऊंचाई पर हो ना तो लोग उछलते भी नहीं। पूछा भाई सामने है देखो, कूदो तो सही कम से कम। बोले नहीं खट्टे हैं, अब उछल के तो देखो एक बार, जानता है उछलने से कुछ होगा नहीं, तो बोलता है खट्टे हैं। ऐसा है महाराज, ये प्रभु जब तक अपने स्वरूप के रूप में अनुभव में ना आ जाए ना, पर के रूप में परमात्मा जब तक है तब तक संयोग वियोग तो रहेगा। अन्य के रूप में जब तक प्रभु है तब तक तो आना जाना संयोग वियोग होगा। संयोग वियोग करने के लिए प्रयत्न होगा, क्योंकि संयोग बिना प्रयत्न के होता नहीं, तो प्रयत्न भी है, प्रयत्न के पीछे प्रयत्न करने वाला कर्ता भी है। प्रयत्न की अपनी सीमा होती है, कभी प्रयत्न अच्छा हो गया, कभी प्रयत्न बुरा हो गया, और कभी प्रयत्न उल्टा भी हो गया। फिर ये कथा ऐसी प्यारी है, जिज्ञासु लोग, मुमुक्षुओं, दिल में चोट लगनी चाहिए। करदम ऋषि के सामने प्रभु विराजमान है, बोले महाराज मुझे आज्ञा दो। मैं अब आपको अपने स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव करने के लिए तो संन्यास लेना चाहता हूं। ऐसा स्वरूप अनुभव हो जाए कि बस तस्या हम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति। ऐसा योग हो जाए, सिद्ध हो जाए स्वरूप। ये भागवत जी का तरीका है बताने का। करदम ऋषि जी चले गए, देवहूति जी अब बड़ा हो रहे हैं कपिल भगवान। एक दिन देवहूति उनके सामने उपस्थित हुए। बोले कपिल, मुझे मालूम है तुम परमात्मा हो, हमारे पति देव ने बताया, ब्रह्मा जी ने स्तुति गिरी आके मेरे सामने, और अब मेरा मन भी ना दुनिया से उठ गया है। इंद्रियों की नौकरी करते 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 बूढ़ी हो गई मैं, ऐसी बोलती हैं। इंद्रियों की हमने क्या की? बोले नौकरी की। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन
प्रपन्नांधम तम प्रभो। बोले हे प्रभु, हे ब्रह्मन्, निर्विण्णा नितराम, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से मैं निर्विण्ण हो गई इंद्रिय भोगों से, इंद्रिय तर्षण करने से मैं थक गई, उन्हीं की वजह से मैं अंधेरा मेरे जीवन में बढ़ता ही गया, वासना बढ़ी, राग बढ़ा, द्वेष बढ़ा। और प्रभु की कृपा है, आप हमारे सामने हो। अथमे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम तम अर्हति अर्हसि। हे देव, हे प्रभु, तो ये दसवां श्लोक। अब आप हमारे इस मोह को नष्ट करने के लायक हो, माने आपके लिए यही योग्य है कि आप हमारे मोह को नष्ट करो। यो अवग्रह अहम ममेति इति एतस्मिन् योजितस्त्वया। तो आपने ही माने नैसर्गिक रूप से अहम मम ये भाव मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसको आप तोड़ो। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शिष्या हूं। लो जी माता जी। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, ये बोलती हैं, मैं आपकी शरण में हूं, आप ही शरण्य हो। आप कैसे हो? आप अपने सेवकों के संसार पर कुठार करते हो, कुल्हाड़ी मारने वाले हो। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं प्रकृति और पुरुष के विभाग को जानना चाहती हूँ। हे देव, मेरी जिज्ञासा है, उसको पूरा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। कपिल भगवान ने जब ये विह्वल वाणी सुनी, बोले बस अब देखो, ये माता बेटे का संबंध हो गया, बदला है भीतर से, गुरु शिष्य हो गया संबंध। भगवान बोलते हैं, योगो योगाध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसायमे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःख सुखस्य च सुखस्य च। माता जी, एक बात मैं ये कहता हूँ कि आदमी को निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए हमेशा आध्यात्मिक बना रहना चाहिए। केवल लौकिक जीवन जीना ये पक्की ना समझिए। लौकिक जीवन की उपलब्धि क्या है? बुढ़ापा और क्या। लौकिक जीवन नहीं चाहिए, धर्म में मानता नहीं, परलोक में मानता नहीं, मोक्ष मानता नहीं, आत्मा मानता नहीं, गुड। फिर मैं एक बायोलॉजिकली मैं एक मनुष्य हूं, ठीक है, परिस्थिति है, जिसको आजकल लोग बड़ा मॉडर्न मॉडर्न बोलते हैं। फिर काम करता हूं, एंड आई अचीव एंड अचीव अचीव, गुड। करते 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 अचीव क्या किया? बोले बूढ़े हो गए। व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट। चाहे जितनी मर्जी च्यवनप्राश खा लो, डॉक्टर साहब के यहां से भी आया होगा तो भी। बोले 3 किलोमीटर रोज सैर करता हूं और 3 बार च्यवनप्राश खाता हूं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मैं टहल रहा था सुबह सुबह, तो एक दिन सरदार जी जो है दौड़ रहे थे, और होंगे 65-70 के आसपास, ये बीच में होंगे, तो वो जो है जॉगिंग कर रहे थे, मैं तो पैदल चल रहा था। तो बाद में उनका पूरा हो गया तो साथ हो लिए, तो मैंने कहा उनसे कि कमाल है, आप इस उम्र में जॉगिंग करते हो। बोले स्वामी जी, जॉगिंग वॉगिंग कुछ नहीं,
आई वॉज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द ओल्ड एज बट वॉट टू डू इट हैज अ बेटर स्पीड इट इज कैचिंग मी एवरी डे. मुझे बहुत मजा आया. उनका वेल सेड. मैं दौड़ रहा था लेकिन लौकिक जीवन अंततः कहां ले जाता है. व्हाट डज इट गिव. बुढ़ापा. फिर आगे आगे नहीं बोलो. शाम हो गई. क्या बोलना है इसी बात. जीवन में मनुष्य को आध्यात्मिक होना चाहिए. निःश्रेयस के लिए वही सबसे बड़ी चीज है. बोले महाराज निःश्रेयस क्या. बोले निःश्रेयस माताजी ऐसी चीज है जहां न सुख है न दुख है. द्वंद्व का सुख नहीं है तो द्वंद्व का दुख भी नहीं है. द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं है. नितर एकदम सुख है. सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम. ये सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते. वो निःश्रेयस है. कैसा सुख है जिसमें दुख का कभी प्रवेश नहीं होता. ऐसा सुख है जिसका विलोम कभी दुख के रूप में होता नहीं. गीता जी बोलती है यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते. यस्मिन् स्थितः न चलति तत्वतः. देखो उसको निःश्रेयस बोलते हैं. जहां स्थित होने पर चलता नहीं व्यक्ति. कहीं कुछ वो कछुआ लगाया है क्या. थोड़ा हटा दो उसको. बार बार गले में आ रहा है. धन्यवाद. क्योंकि वो तो कंठे किंचित बाधते. तो बोले बोले आध्यात्मिक होना चाहिए व्यक्ति को. किसी भी तरह से आध्यात्मिक होना चाहिए. वही निःश्रेयस है. द्वंद्व से अतीत जीवन अगर कहीं मिल सकता है तो उसी से मिलता है. इसलिए माता जी मैं तो पक्का ये समझता हूँ व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए. और साधना में आध्यात्मिक होने की पहली साधना क्या है. बोले सत्संग करना चाहिए. ये बात है. पहली साधना है खूब जम के सत्संग करो. ये बार बार आता है भागवत जी में. आज यहां सुना देता हूं. बोले सत्संग ऐसी चीज है. देखो आप दूध लग जाए ना हाथ में तो फिर से उसको धोना पड़ता है. हाथ जूठा हो जाता है. घी लग जाए तो धोना पड़ता है. ठीक है. जरूरत बहुत होगी तो दे लूंगा. रहने दो. तो कुछ भी पवित्र से पवित्र चीज लगे धोना पड़ता है. हाथ में लग गया वो. अच्छा पानी लग जाए तो. दूध लगा हुआ हाथ फिर आप जाते हो बेसिन पे हाथ पानी से धोते हो. अब पानी लगा है तो उसको किससे धोते हो. बोले पानी लगा हुआ को धोने की क्या जरूरत है. बोले इसको सत्संग बोलते हैं. जो पानी है ना वो पहले से लगे हुए मल को धोता है और खुद लगता नहीं. इसको सत्संग बोलते हैं भाई. इस दत्तात्रेय जी ने जल से ये सीखा. बोले सत्संग चित्त में पहले से लगे हुए संगों को मिटाता है और खुद लगता नहीं. हाँ हाँ हाँ. इसलिए सत्संगत्वे निसंगत्वम सिद्ध्यति. इसलिए पहला काम जोर से करना है माताजी. जिसको भी अध्यात्म के मार्ग पे चलना है उसको मौका तलाश करके सत्संग करना चाहिए. सत्संग से असंगता बढ़ती है. सत्संग से भगवान के चरित्र हमारे कान में आते हैं. कान के जरिए हमारे हृदय में आते हैं. सत्संग से प्रभु जो हमारे हृदय में विराजमान है उनकी ओर ध्यान जाता है. ध्यान जाता है तो उनका प्रकाश होता है. इसलिए
कोई भी मोक्ष मार्गी हो, चाहे उसका अधिकार कितना भी कम हो, सत्संग तो कर ही सकता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु द्रवहि न राम, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए पहला साधक का, देखो ये कपिल भगवान, ये सनातनी हमारी साधनाएं हैं, पहला साधन बताते हैं माता जी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा, भवंत हृत्करण रसायना कथा। सत्पुरुषों के संग से मेरे जो यश है, मेरी जो सामर्थ्य है, वो कान में जाती है, करण रसायन बन जाती है, तुम्हारे हृदय की व्याधियों को मिटा देती है। ये जो जीवन में आशंका बनी रहती है, ताप बना रहता है, बोले माता जी वो शांत हो जाता है, डर कम हो जाता है, भगवान का भरोसा बढ़ता है। इसलिए पहला काम वो करना चाहिए। फिर देवहूति ने कहा, प्रभु मुझे भक्ति के बारे में बताओ। काचित त्वयुच्चिता भक्ति ही कीदृशी मम गोचरा, मेरे जैसे लोग आपकी भक्ति कैसे करें, उस भक्ति का क्या स्वरूप है, योग का क्या स्वरूप है, योग के अंग कैसे हैं, वो मुझे बताओ। भगवान ने भक्ति के बारे में यहाँ एक दो पंक्ति में बात कही। बोले माता जी, भक्ति है इंद्रियों की, मन की प्रवृत्ति, प्रभु के लिए हो और प्रभु की ओर हो, इसी का नाम भक्ति है। बोले अय्या, बड़ा संक्षेप में बताया। बोले यस, चित्त वृत्ति प्रभु के लिए हो, प्रभु से भरी हुई हो और प्रभु की ओर बहे, इसी का नाम भक्ति है। और केवल चित्त वृत्ति नहीं कहा, बोले जो आपकी कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, उनकी भी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो प्रभु के लिए हो। आप बोलते हो किसके लिए, चलते हो किसके लिए, करते हो किसके लिए, हर चेष्टा प्रभु को रिझाने के लिए हो। चित्त की, इंद्रियों की प्रवृत्ति प्रभु की ओर हो, प्रभु के लिए हो, इसका नाम भक्ति है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ये है। बोले इतनी भक्ति है। योग का फिर विषय लेते हैं हमारे कपिल भगवान, और अष्टांग योग जो प्रसिद्ध है उसका वर्णन करते हैं। अब उसके पहले जो पहला प्रश्न किया था उन्होंने, प्रकृति और पुरुष का विभाग, वो अब आरंभ करते हैं। इसी प्रक्रिया में सृष्टि का भी वर्णन होता है। तो वेदांत में, भागवत जी में सृष्टि का संक्षेप में ऐसा वर्णन होता है, जैसा एक बात तो हमने पहले कही कि हमारे वैदिक चिंतन में सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ। सृष्टि अनादि है। क्यों अनादि है वो मैंने बोला, आपको स्मरण कराता हूँ। शुरुआत कहाँ से शुरू करनी चाहिए चिंतन की, क्योंकि अविद्या अनादि है। अविद्या अनादि है तो अविद्या से सिद्ध जीवत्व भी अनादि है। तो जीवत्व में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है वो भी अनादि है। उस कर्तृत्व से निष्पन्न जो कर्म परंपरा है, कर्म नहीं, ध्यान देना, कर्म परंपरा, वो भी फिर अनादि है। कर्म कोई अनादि नहीं होता, कर्म पैदा किया जाता है। इसलिए कर्म परंपरा अनादि है, ठीक।
उस कर्म को फिर संपादित करने वाला शरीर परंपरा, क्योंकि बिना शरीर के तो कर्म संपादित नहीं होगा, और उस कर्म का फल भोगने के लिए फिर से शरीर चाहिए। सो शरीर परंपरा भी अनादि है, केवल शरीर का भोग नहीं होता, शरीर से भोग होता है, भोग के लिए जगत चाहिए, इसलिए फिर जगत भी अनादि है। अगर किसी को जीवत्व की अनादिता समझ में आती है तो उसको जगत की अनादिता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये जो लोग समझते हैं ना कि जीव क्या है, भूत का संघात है, इट्स अ केमिकल कॉम्बिनेशन, जड़वादी लोग, उनको जगत बना हुआ दिखता है, और इस सच्चे बिग थिंकिंग फैलेसी है। शायद कोई और कारण होगा उसकी वजह से उनके महापुरुषों ने कहा होगा। अन्य धर्मों में ये जो जीव है वो इस शरीर के पहले था ही नहीं। वाओ, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो, इस शरीर के पहले जीव था नहीं। अगर वो मान लेना कि इस शरीर के पहले जीव था तो फिर बताना पड़ेगा किस शरीर में था। अगर उन्होंने कहा कि पहले एक और शरीर था तो पूर्व जन्म मानना पड़ेगा। पूर्व जन्म माना तो फिर पश्चात जन्म क्यों नहीं मानते हो? तब तो हिंदू धर्म ही हो गया फिर। महाराज, तो इस शरीर के साथ जीव शुरू हुआ, बटे मैंने कॉन्ट्रडिक्शन, इस शरीर के साथ जीव शुरू हुआ, लेकिन विडंबना है कि इस शरीर के साथ वो मरेगा नहीं। शरीर मर जाएगा, रूह बनी रहेगी। गेट वेरी वेल, कहाँ रहेगी? बोले वो कब्र में रहेगी, इसलिए कब्र में ताजमहल बनाना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि चूंकि रूह को वहां रहना है, और वो भी मेरी प्रेयसी के बगल में होना चाहिए मुझे, क्योंकि पता नहीं कब कयामत का दिन आवे, फैसला हो, फिर तब तक तो साथ रहें कम से कम। माने जीव का आरंभ होता है शरीर के साथ, लेकिन अंत नहीं होता, अनंत है जीव। एक चीज सादी है, अनंत है, दिस इज द थियरी। अब ये ऐसी बातें हैं जिस पर अगर कोई सोचने वाला हो, गुस्सा ना करे कोई, है ना, गुस्सा कोई तर्क नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई बात समझ में ना आए या उत्तर ना मिले तो उसकी पूर्ति गुस्से से होती है। तुम ऐसे बोलते हो, नहीं बोलेंगे भाई, बात खत्म करो, छुट्टी। जीवत्व को अनादि मानना पड़ेगा। अगर आप उसको अनंत बनाना है तो अनादि, और सिद्ध होता है आजकल के सर्वे से सिद्ध, लोगों को पूर्व जन्म की स्मृतियां हो जाती हैं, फिर क्या करोगे? एक किताब लिखी फॉरेन में, क्या है वो, मैनी लाइफ एंड मैनी मास्टर्स, कैसे ना, मैनी मास्टर्स एंड मैनी लाइफ, जबरदस्त सेल है उसकी महाराज। नाउ दे हैव डेवलप्ड अ न्यू थेरेपी आल्सो, हिप्नोटाइज करेंगे, फिर उस आपको पहले जन्म में ले जाएंगे और जहां वो प्रॉब्लम हुई है वहां ले जा करके आपको क्योर करेंगे, एंड देन दे विल टेक आउट। मुझे तो लगता है बड़ा खतरा है बाकी दर्शनों पर। देखो, झूठ को टूटना ही चाहिए, खतरा तो खतरा, लेट द ट्रूथ रिमेन, दैट्स ऑल। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, बाकी क्या। तो अगर जीव अनादि है तो सृष्टि को अनादि मानना पड़ेगा। सृष्टि अनादि है तो उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक व्यक्त अवस्था है तो एक अव्यक्त अवस्था है। सृष्टि जब अव्यक्त अवस्था में जाती है तो कहां जाके सोती है? बोले प्रभु में, शुद्ध चैतन्य में, वह चेतन जो है सत है, इसलिए उसको बोलते हैं सत चित।
वह चेतन जो स्वयं आनंद रूप है, इसलिए बोलते हैं सच्चिदानंद प्रभु का रूप है। मंगलाचरण में पहली बात यही बोली जाती है ना, सच्चिदानंद रूपाय। फिर बोलते हैं वहीं से विश्वोत्पत्यादि हेतवे। सब सोच सोच के लिखा गया है, वहीं से फिर सृष्टि हुई, अव्यक्त में से सृष्टि व्यक्त हुई। कैसे व्यक्त हुई? बोले समष्टि जीव सोए पड़े हैं, समष्टि जीवों के संस्कार वहां सोए पड़े हैं, समष्टि जीवों के कर्म सोए पड़े हैं। काल में वो समष्टि जीवों के कर्म का परिपाक हुआ, उस परिपाक के कारण तो जो प्रकृति है उसमें क्षोभ हुआ। प्रकृति किसको बोलते हैं? तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रज तम तीनों जब सम अवस्था में रहते हैं उसी को बोलते हैं प्रकृति। और यहां लिखा कि जैसे ही क्षोभ हुआ उसमें, क्षोभ क्यों हुआ? समष्टि जीवों के कर्मों के परिपाक से, क्योंकि वो अब अपना फल भोगना चाहते हैं तो उन्होंने उसकी साम्य अवस्था को बिगाड़ दिया। जो त्रिगुण का विषम रूप है उसी का नाम महत्तत्व है। ये मैत्रेय ऋषि ने भी विदुर को बताया, महत्तत्व का लक्षण यही बता दिया। उसमें सबसे महत्तत्व एक, हाँ ये इसका परिचय लेते हैं थोड़ा, तो आपको मैं कई लोगों को जानता हूं, अभ्यासी लोग हैं। जब आप सुसुप्ति से उठते हो तो उठते ही अचानक अहंकार भाव जागता नहीं, कम से कम रोज ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि यू आर अवेक, आप जगे हुए हो, लेकिन स्टिल द इंडिविजुअलिटी द ईगो इज नॉट क्रिस्टलाइज्ड। हम लोगों के साथ तो खूब होता है क्योंकि टाइम बहुत चलते हैं ना, जग गए। अब हम ये नहीं कह सकते हम सोए हैं, जग गए, लेकिन मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, बाथरूम किधर है, नथिंग इज कमिंग आउट। सो व्हेन द सेंस ऑफ ईगो इज नॉट क्रिस्टलाइज्ड, जब अहंकार का पूरा स्फुरण नहीं हुआ, इट मीन्स कि जो हमारी वैयक्तिकता है वो अभी स्फुरित नहीं हुई और आप अव्यक्त में नहीं हो। अब बोलो बीच की स्थिति क्या है? उसको बोलते हैं संज्ञान मात्र है, महत्तत्व उसको बोलते हैं। जिसको हम समझते हैं ना कि अहंकार बड़ी ठोस चीज है, मैं आपको बताऊं, आपको अपनी पहचान न याद आवे ना तो अहंकार खड़ा ही नहीं होगा। अहंकार माने क्या? अपनी पहचानों की याद आना, मैं ये हूं, ऐसा हूं, यहां हूं, उनका हूं, उनका हूं, उनका हूं। जैसे ही ये क्रिस्टलाइज हुआ फिर उसमें संकल्प आएगा, मुझे ये आज करना है, यहां जाना है, अरे क्लास है, उठे, हो गया, चल चल जाएगा। तो आप देखते हो ये जो अपने साथ जो घटता है, निहारो इसको, रहने दो रहने दो, बड़ा विषय ऐसा चल रहा है, शांति शांति, पूरी एकाग्रता चाहिए। सो अव्यक्त में से महत्तत्व केवल संज्ञान है,
लेकिन उस संज्ञान में ही फिर अहम उभरता है, ये मैं हूं। तो अव्यक्त में से महत्तत्व, महत्तत्व में से फिर अहंकार, और अहंकार में संकल्प, मुझे करना है। ये व्यष्टि जीवन में भी होता है तो फिर ये समष्टि जीवन में भी होता है। समष्टि जीवन में अव्यक्त अवस्था है, उसमें से जब प्ररोह हुआ सृष्टि का, क्षोभ हो गया गुणों का, तो संज्ञान की स्थिति है, उसमें अंतर्यामी बन के प्रभु बैठ गए। संज्ञान है लेकिन समष्टि अहम का स्फुरण नहीं हुआ है। फिर वही महत्तत्व थोड़े समय बाद काल भगवान के प्रभाव में, वही महत्तत्व रूपांतरित होता है अहंकार में। उसी अहंकार में, यहां अहंकार कई तरह के बताए गए हैं लेकिन बहुत उलझाने की बात न करें, तो उसी अहंकार में संकल्प आया, एको हम बहुस्यामी। देखो बहुत होना है, प्रजा कामो हवई प्रजापति ही उपनिषद बोलती है, स ईक्षत लोकानुसृजाति ऋग्वेद ऐतरी उपनिषद। ये ईक्षण, ये संकल्प किस में आएगा? जब अहम तत्व बन गया फिर संकल्प हुआ, सत्य संकल्प है, तो सबसे पहले सूक्ष्म पंच महाभूत प्रकट हुए। वही जो त्रिगुणात्मक अहंकार है, क्योंकि ध्यान रखना त्रिगुणात्मक महत्तत्व है, उसी से फिर अहंकार बना, फिर त्रिगुणात्मक अहंकार से त्रिगुणात्मक पंच महाभूत निकले, सत्वात्मक पंच महाभूतों से फिर इंद्रियां और मन बने सबके। इंद्रिय और मन को देख करके ही ये अनुमान होता है और ये सिद्ध होता है कि जो आज हम स्थूल पंच महाभूतों को देखते हैं, वो पंच महाभूत हमेशा ऐसे ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि स्थूल का कारण स्थूल होगा और सूक्ष्म का कारण सूक्ष्म होगा। मन अदृश्य है, इंद्रियां अदृश्य हैं, उनका कारण ये स्थूल महाभूत कैसे हो सकता है? तो निश्चित रूप से इंद्रियों का जो कारण होगा वो इंद्रियों जैसा ही सूक्ष्म होना चाहिए। अब इंद्रियों में दो विभाग हैं, एक इंद्री ज्ञानात्मक है जिसको ज्ञान इंद्री बोलते हैं, और एक इंद्री में ज्ञान नहीं है, केवल क्रिया है, कर्म इंद्रियां हैं। तो जो क्रियात्मक इंद्री है और जो ज्ञानात्मक इंद्री है, दोनों एक ही महाभूत से तो नहीं आ सकती। सो नियम बना कि सत्व से बना ज्ञान इंद्री और मन, तो रजस से बना कर्म इंद्री और प्राण, फिर जो सूक्ष्म पंच महाभूत थे फिर से उनमें आपस में टूटन हुई, क्योंकि काल भगवान का प्रभाव चल रहा है, टूट गए वो, आधे आधे हो गए, आपस में मिले, मिलने जुलने की एक प्रक्रिया चली। कौन चला रहा है? बोले समष्टि जीवों के कर्म के प्रभाव से काल भगवान करा रहे हैं। वो कोई बैठ के बना रहा है 6 दिन में वो नहीं, कृपा करो, वो समझाने का बड़ा स्थूल तरीका है वो। कोई चीज काल के प्रभाव में स्वयं होती जाती है। आफ्टर ऑल काल से जब प्रलय से सृष्टि शुरू हो गई तो और फिर क्या, पंच महाभूत बन गए, फिर पंच महाभूतों से स्थूल सबका, हमारा आपका सबका शरीर सृष्टि हो गई।
इस सृष्टि का फिर प्रलय होता है, फिर प्रकृति भाव आता है, फिर प्रकृति भाव से महत्तत्व, अहंकार, पंचमहाभूत सूक्ष्म, पंचमहाभूत स्थूल, 10 इंद्रियां, मन, ये सब बनते हैं। सो कितने तत्व हुए? नव सांख्य शास्त्र शुरू हुए, बोले एक तो प्रकृति है, फिर महत्तत्व है, फिर अहंकार हुआ बना, फिर पांच महाभूत, ये देखो 26वें अध्याय का 10वां, 11वां, 12वां ये मंत्र है, बोलते हैं यत्तत् त्रिगुणम् अव्यक्तम् नित्यम् सदसदात्मकम् प्रधानम् प्रकृतम् प्रकृतिम् प्राहुः। ये तो प्रकृति हो गई। पंचभिः पंचभिः ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा, तो पांच महाभूत, पांच तन्मात्रा, तन्मात्रा माने सूक्ष्म पंच महाभूत, 10 हो गए, 4 अंतःकरण, चार अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 हो गए, और 10 इंद्रियां, कितने हुए? 24 तत्व हो गए। 10 तो महाभूत हो गए, 5 सूक्ष्म, 5 स्थूल, और 10 इंद्रियां, 20 तो सीधा सीधा ये हो गई, 4 अंतःकरण, ये 24 हुए। बोले कार्य जगत में यही 24 हैं। बोले महाराज ये काल, काल क्या चीज है? बोले काल, काल तो बहुत जोरदार चीज है। बोले ये 25 गिनते हैं कोई कोई लोग, और कोई कोई कहते हैं कि काल जो है ना ये भगवान का ही एक नाम है, ये भी बोल देते हैं, भगवान से अभिन्न है ऐसा भी बोलते हैं। लिखा है 17वें श्लोक में और 15वें श्लोक में, दोनों श्लोक में काल का वर्णन है। कभी मीमांसा करिए, अपने आप करिए, नहीं तो बैठ के कभी चर्चा कर सकते हैं। एतावानेव संज्ञातः ब्रह्मणः सगुणस्यः सन्निवेशो मया प्रोक्तः यः कालः, मिला, यः कालः पंचविंशकः। ये 25वां जो है वो काल माना जाता है। ध्यान रखना, काल को ही शेष भी बोलते हैं। शेष क्यों बोला, ध्यान गया आपका? क्योंकि महाप्रलय में जब सारे जीव सोए पड़े हैं, उनके संस्कार सोए पड़े हैं, कर्म सोए पड़े हैं, तो उन कर्मों को पका कौन रहा है? ब्रह्म। ब्रह्म तो करेगा नहीं कुछ। आखिर कह रहे हैं कि अपरिपक्व कर्मों के कारण प्रलय हुई, तो कर्म परिपक्व हुए तो पकाया किसने उसको? कोई भी क्रिया बिना काल के होती नहीं। पॉइंट ए पे कर्म अपरिपक्व था, पॉइंट बी पर परिपक्व हो गया, इन बिटवीन हु वाज वर्किंग? इसलिए बोलते हैं महाप्रलय में भी काल शेष रहता है। ओफ ओफ, कुछ कुछ खुलता है क्या? नाग को भी काल बोलते हैं और शेष रहता है वो, तो क्या बना? उस काल में सृष्टि निवास करती है। पृथ्वी धारण, पृथ्वी शेषनाग के फण पर है, तो आप जरा इस पर सोचिएगा, पृथ्वी माने सृष्टि है, वहां केवल पृथ्वी नहीं, तो किस पर टिकी हुई है सृष्टि? ठीक है ना, काल पर ही टिकी है। कहते हैं भगवान विष्णु भी शेष शैया पर सोते हैं, आखिर कहां सोएंगे? वही तो बचा है, और कस पर सोएंगे?
थी, भगवान के भगवान का सेवक बन करके काल वहां उपस्थित है। जब आपको स्थूल रूप से इस बात को, इस गंभीर दर्शन को स्थूल रूप से बताना हो, पिक्चराइज करना हो, तो और क्या करें बताओ मुझे। शेषनाग बनाया, भगवान उस पर सोए हैं। अब लोग जो है ना फिर प्रश्न करते हैं कि जब सारा प्रलय हो गया फिर शेषनाग रह गए, फिर अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न आने चाहिए, प्रश्न आने ही नहीं चाहिए, चुभने चाहिए। बोले शेषनाग की तो महाराज बड़ी फजीहत है। निका क्यों फजीहत है भाई? अब बोले बेचारे के ऊपर फन पे टिकी हुई है पृथ्वी, हिल ही नहीं सकते वो, कभी कभी थोड़ा बहुत हिलते हैं, भूकंप आने लगता है, सुनामी आ जाती है। नारायण नारायण, हमारे लक्ष्मण जी भगवान की इसी अनंत शक्ति हैं, उन्हीं का अवतार है वो। बलराम जी उन्हीं का अनंत, उसी अनंत शक्ति का, अनंत शब्द बोला गया रामायण में उनके लिए। अनंत माने क्या? जो शेष रहता है। इसलिए भागवत जी ने कहा कि काल को कोई कोई 25वां तत्व बोलते हैं, लेकिन सच बात यह है, 17वें श्लोक में देखो, प्रकृतेर गुण साम्यस्य, जो तो जिज्ञासु लोग हैं ना उनके लिए चीजें अमृत हैं। बोलते हैं प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी, माता जी को मानवी बोलते हैं वो। क्यों मानवी बोलते हैं? मनु की लड़की है इसलिए। मैंने महाराज सीधे नाना जी का नाम लेके बोलते हैं। हे मानवी, प्रकृतेर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः, जिसके कारण उस साम्य गुण में चेष्टा हुई, कौन है वो? देखो क्या लिखते हैं, स भगवान काल इति उपलक्षितः, वो भगवान ही हैं, उनका उस समय नाम पड़ा काल। माने यह काल भगवान से पृथक कोई अलग द्रव्य नहीं है, उनसे अभिन्न उन्हीं की एक शक्ति है। ये आपके मनन के लिए है, इसकी जुगाली करो, पचाओ, लेकिन पचा लो तो मजा आ जाएगा, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। ऋषियों की फिर महिमा ज्यादा समझ में आएगी कि क्या बताने की कोशिश करते हैं और कितना उन्होंने मेहनत करी है बताने के लिए। जैसे आजकल ना रामायण भागवत महाभारत कॉमिक्स में बताते हैं, बच्चे कुछ कुछ पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई बच्चा समझे कि इतना ही रामायण है, इतना ही भागवत है, तब तो हो गया, कॉमिक्स पढ़ के ही फिर तो नो, जस्ट इनिशिएट वो ठीक है। सो सृष्टि का ये प्रकरण चलता है। अब चूंकि इसमें संख्या है, गिनी गिनाई बात है, प्रकृति से इसी क्रम से ये हुआ, फिर 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 से ऐसे ही रोल बैक होता है। चूंकि संख्या है इसलिए इस दर्शन को बोलते हैं सांख्य। ये आज कोई पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी में जो सांख्य पढ़ाया जाता है वो तो कपिल भगवान ने बोला नहीं। कपिल भगवान आगे भक्ति की बात बहुत करेंगे, पहले भी थोड़ा बोल ही चुके। जो यूनिवर्सिटी में सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है उसके भी प्रणेता कपिल ही माने जाते हैं, लेकिन ये वाले कपिल मुनि नहीं, कोई और होंगे कपिल नामधारी। उनके सांख्य दर्शन की जो मूल इस समय हमारे पास ग्रंथ है वो है सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। उस क्योंकि कपिल मुनि का जो 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 साहित्य है यूनिवर्सिटी वाले सांख्य दर्शन के लिए वो अवेलेबल है नहीं, कारिका अवेलेबल है, सांख्य कारिका अवेलेबल है, वो ईश्वर कृष्ण की है। इसके बाद तो बहुत सारे ग्रंथ अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। गीता में जो सांख्य लिखा शब्द
भागवत जी में जो सांख्य शब्द लिखा, ध्यान रखना उसका मतलब सीधा केवल वेदांत है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, वहां भी सांख्य शब्द आता है। ज्ञान योगे न सांख्यानां, कर्म योगे न योगिनां, वहां भी सांख्य शब्द आता है। आइए जरा सांख्य शब्द पर विचार कर लें। ख्या धातु है, ख्या, ख्या माने होता है कहना, जैसे व्याख्यान बोलते हो आप, ख्यायते, ख्यायते अनया इति ख्या, जिसकी बहुत लोग जिसके बारे में बहुत बातें करते हो बोलते हो ख्याति है इनकी, अब पकड़ में है ना, ख्याति, प्रख्यात, यह ख्या माने कहना। सम्यक रूप से एक ऐसी विधि हो जिससे सम्यक रूप से कहा जाए, उस विधि का नाम है संख्या। सम्यक ख्यायते अनया इति संख्या। बोले महाराज हम तो सोच रहे थे संख्या माने नंबर होता है। बोले यस यू कैन, लेकिन आप ध्यान दें, नंबर जो है ना वो भी सम्यक रूप से कहने के लिए ही बना है। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल कसी भी बात कहता है, तर्कसंगत बात करता है, तो लोग क्या बोलते हैं, इट्स लाइक मैथ बोलते हैं लोग। मैथमेटिकल था स्वामी जी, आई हर्ड दैट प्रवचन, आई हर्ड दैट टॉक, कैसा था वो, बोले वैस मैट्रिकुलस मैथमेटिक लाइक। हम कहते हैं वही मतलब है संख्या का। वेन यू कंक्लूड द थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, नंबर वन दिस, सो दैट दिस, सो दैट दिस, जब आप इस तरह से क्रम से चलते हो तब उसको बोलते हैं संख्या। ठीक है, संख्या जिसके पास है कहने की ऐसी सशक्त विधि, कहने की ऐसी सशक्त पद्धति जिसके पास है, संख्या जिसके पास है, उसको बोलते हैं सांख्य। संख्या विद्यते यस्य सह सांख्य, ये ही बिकम द सांख्य बना। अब ऐसे, अच्छा और एक बात और जान लें, सशक्त विधि से कहने के लिए यह जरूरी है कि कोई सशक्त विधि से सोचता हो। अगर किसी के सोचने में गड़बड़ हो तो ही कैन नॉट इवन कम्युनिकेट और एक्सप्रेस। क्लियर थिंकिंग ओनली विल बी एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली। सो सांख्य माने क्या हुआ, वन हु हैज गॉट ट्रेमेंडस लॉजिकल थिंकिंग पावर, दैट इज, दैट पर्सन इज कॉल्ड सांख्य। निर्दोष चिंतन शक्ति से संपन्न जो विचारक है उसका नाम है सांख्य। ठीक हो, ऐसे सांख्य लोग कोई बात सोचें और सोच के जो निष्पत्ति निकालें उस निष्पत्ति को भी बोलते हैं सांख्य। ऐसे सांख्य लोग कोई शास्त्र बनावें हाँ, तो उस शास्त्र को भी बोलते हैं फिर सांख्य शास्त्र बना। सो इसलिए सांख्य शास्त्र माने किसी की बपौती नहीं, सांख्य शास्त्र माने निर्दोष चिंतन, ब्रह्म को लेकर के, सृष्टि को लेकर के, आत्मा को लेकर के युक्ति पूर्वक निर्दोष चिंतन क्या है,
क्रम से संगति के साथ जो चिंतन है वो क्या है, वो ये है। अव्यक्त से काल के प्रभाव में ऐसे 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 हुआ। बोले ओहो अच्छा बेटा ऐसा हुआ। बोले ऐसा हुआ माता जी। फिर इसमें जीव कहां से आया? बोले वो जो गुणों का क्षोभ हुआ, फिर अहंकार बना, फिर इंद्रियां, फिर अंत, ये सब बना ना, इसके साथ जो तादात्म कर लेता है जो पुरुष, वो बिल्कुल असंग है लेकिन तादात्म कर लेता है ना, तो तादात्म्यापन्न जो चेतन है उसी का नाम है जीव। कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु, गीता जी बोलती है। ये सदसद योनियों में भटकने का कारण क्या है? बोले पुरुष का प्रकृति के साथ संग, दैट्स ऑल। वो संग होने से गुण के धर्मों का पुरुष अपने में अनुभव करने लगता है, तो कहने लगता है कि मैं अब चेतन नहीं हूं, क्या हूं जी? बोले मैं तो सात्विक हूं। ध्यान रखना, कोई कहे कि मैं सात्विक हूं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मूर्खता ही है। क्योंकि आफ्टर ऑल चेतन अगर अपने को कहे कि मैं सात्विक हूं तो ये तो कोई बात ना बनी ना फिर। आखिर चेतन चेतन ही रहे, यही गनीमत है। बोले मैं ब्राह्मण हूं। कौन बोल रहा है? चेतन महाराज। बीमारी को गौरव समझते हैं। देवता हूं, वो बीमारी है। नारायण। बोले महाराज ये चेतन सचमुच में गुण के साथ जुड़ जाता है, तादात्म्यपन्न हो जाता है। बोले माता जी अब आपने बड़ी मजेदार बात पूछ ली। ये चेतन कभी किसी से जुड़ता नहीं, स्वभाव से असंग है। बोले फिर जुड़ने का भ्रम होता है बस। जिस महापुरुष को ये ज्ञान हो जाए कि प्रकृति से चेतन अहम का कभी संयोग हो नहीं सकता, हो सकता नहीं, केवल होने का भ्रम हो सकता है, अगर किसी को यह बोध हो जाए तो प्रकृति भी मोक्षा हो गई, छुट्टी। प्रकृति से पुरुष का जो नित्य वियोग है वो समझ में आ गया, बंधन भी नहीं था तो कभी भी मोक्ष किस बात। बोध से तो प्रकृति का विमोक्ष हो गया। माता जी को प्रश्न है। बोले बेटा प्रकृति भी आखिर सत्य है, पुरुष भी सत्य है, तो दोनों मिले ही रहेंगे, फिर विमोक्ष कैसे होगा? और दृष्टांत क्या देती हैं कि पृथ्वी सत्य है और गंध सत्य है, जल सत्य है तो जल का गुण है रस, वो भी सत्य है, तो इनका आपस में वियोग कैसे होगा? दृष्टांत गलत है, ध्यान रखना। जो लोग तर्क को थोड़ा जानते हैं उसको बोलते हैं विषम दृष्टांत। पूछ रही हैं प्रकृति और पुरुष के संयोग को, तो दृष्टांत दे रही हैं गुण गुणी का। तो यहां लिखा 17वां श्लोक है 27वें अध्याय का। पुरुषम प्रकृतिर् ब्रह्मन्न विमुञ्चति कर्हि चित् अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वात् अनयोः प्रभो। दृष्टांत है यथा गंधस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपाम्रसस्य च यथा तथा बुद्धेः परस्य च। अकर्तुः कर्मबन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः
कैवल्यम ते स्वतः कथम। बोली तो ये संबंध नित्य है तो कैवल्य कैवल्यम तेषु अतः कथम, एक कैवल्य भाव तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान कपिल ये नहीं कहते कि आपके चिंतन में गलती है। बोले माता जी आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों साथ साथ ही रहते हैं, त्रिगुण और पुरुष का कभी भी योग नहीं होता, आपको ऐसा लगता है? बोले बेटा मुझे तो ऐसा ही लगता है। बोले लगने दीजिए, आप तो तीव्र भक्ति करिए बस, आप देखना फिर कि ये जो साथ साथ लगता हुआ दिखता है ना, वो अलग अलग दिखने लग जाएगा। दार्शनिक खंडन न करके कपिल भगवान साधन का विधान कर देते हैं। बोले बस आप, आपको लगता है ना ठीक है आज के दिन यही सच है, आज के दिन सच है, लेकिन कल ये सच नहीं रहेगा। देखो श्लोक क्या बोलते हैं, 21वां, अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना। बोले निष्काम भाव से अपने स्वधर्म से प्रभु को रिझाइए, प्रवचन करिए प्रभु को रिझाने के लिए, ऑफिस जाइए प्रभु को रिझाने के लिए, व्यापार करिए ये मान करके कि प्रभु ने सेवा दी है और मैं ऐसा कोई नहीं काम करूंगा जिससे कि वो नाराज हो। प्रभु को आपका कर्तव्य पालन करना देख के अच्छा लगता है, आप ये याद करो, उसको तो अच्छा लगता ही है, आप ही भूल जाते हो। केवल कर्तव्य नहीं करना है, ये याद रहे कि मेरे कर्तव्य पालन करने से प्रभु रिझता है। मैं एक दृष्टांत दे रहा था कहीं कि एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों पैर दबा रहे थे। पूछा किसी ने, क्या कर रहे हो भाई? बोले पैर दबा रहा हूं। दूसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बोले गुरु सेवा कर रहा हूं। पकड़ में आया, दोनों काम एक ही कर रहे हैं, लेकिन एक की दृष्टि है पैर दबाने तक, एक जानता है पैर दबाना तो जरिया है, असल में तो सेवा किसकी है? गुरु की। उसकी नजर है गुरु पर। तो कोई लोग हैं जो कर्तव्य तक दृष्टि रखते हैं, वो कौन है जी? बोले वो कर्तव्य परायण है। दूसरे लोग हैं जो कर्तव्य परायण नहीं है, कर्तव्य के जरिए हाँ प्रभु को रिझाते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। उनसे पूछा जाए, आप क्या कर रहे हो? बोले प्रभु की सेवा कर रहे हैं। बोले हमको तो दिखाई दे रहा है ऑफिस जा रहे हो, तो तुम देखो ना ऑफिस जाते हुए। मैं तो प्रभु की सेवा में हूं। माता जी ऐसा कोई करे ना, तो थोड़े दिनों बाद उसको जो त्रिगुण का ऐसा संयोग दिख रहा था वो ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। व्हाट ए ब्यूटी। बोलते हैं अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण अमलात्मना तीव्रया मई भक्त्या च श्रुत संभृतया चिरम। और तीव्र ध्यान करने से, तीव्र भक्ति से, ज्ञानेन दृष्ट तत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना। माताजी प्रकृति ही पुरुषस्य इह दह्यमाना तु अहर्निशम तिरो भवित्री शनकैहि अग्ने अग्ने यो निर्निवार निरिवारिणी। बोले आप साधन करो, दर्शन का खंडन करने से भी वो खंडन होता नहीं। तीव्र ध्यानाभ्यास, तीव्र भक्ति करो, निष्काम कर्तव्य भाव लेकर के प्रभु की सेवा करो, कैसे नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ये प्रकृति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जब इस तरह का उपदेश किया कपिल भगवान ने, माताजी ने पूछ लिया
कि वो ध्यानाभ्यास तीव्र कैसे किया जाए बताओ। उसके उत्तर में फिर 28वां अध्याय कपिल भगवान सुनाते हैं, अष्टांग योग की पूरी विधि है। इसमें यम नियम का अपने तरीके से वर्णन है। महर्षि पतंजलि का जो ध्यान है वो काफी दूर तक यहाँ शामिल है। चौथा श्लोक है, अहिंसा सत्यमस्तेयम् यावदर्थ परिग्रहः ब्रह्मचर्यम् तपःशौचम् स्वाध्यायः पुरुषार्चनम्। देखो तो ईश्वर प्रणिधान आदि जो शब्द है उसके लिए कपिल भगवान कहते हैं, प्रणिधान माने क्या, पुरुषार्चनम, पुरुष की अर्चना सीधा सीधा करो। और एक बात बढ़िया कही, वहां लिखा है केवल अपरिग्रह, भागवत जी में लिखा यावद अर्थ परिग्रह, माने बी प्रैक्टिकल, जितना आपको चाहिए कम से कम उतना परिग्रह करो, ज्यादा विस्तार न करो, यावद अर्थ परिग्रह ये करो। फिर बैठ करके एक देश से मनसा प्राण धारणाम वो करो। फिर बोले प्राणायाम ही, 11वां श्लोक है, प्राणायाम ही देह दोषात धारणाभिश्च किल्विषान। बोले माता जी प्राणायाम से देह के दोष कम हो जाते हैं, धारणा से मन के किल्विष विक्षेप कम हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रत्याहार का अभ्यास करने से संग दोष समाप्त होता है, प्रत्याहारेण संसर्गात। और प्रभु का ध्यान करने से, देखो ये चारों अंग बता दिए, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार और अब ध्यान बता रहे हैं। ध्यान से क्या होता है, बोले ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, ध्यान करने से जो अनीश्वर गुण है माने राग है, द्वेष है, देश है, दैट है, किच पिच है, वो सब समाप्त होते हैं। सो कौन सी चीज किसकी दवाई है ये 11वें श्लोक में बताया, चाहे तो अंडरलाइन कर लेना, बाद में पढ़ना जरूर आप। बोले प्राणायाम से देह दोष, धारणा से विक्षेप अनेकाग्रता, प्रत्याहार से संग दोष और ध्यान से अनीश्वर गुण, अशुभ गुण का माने दुर्गुणों का नाश होता है, इसलिए ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम भगवतो ध्यायेत, बोले अपने नासिकाग्र में ध्यान करना चाहिए। चिरकाल तक ध्यान करने से, भगवान के साकार विग्रह का ध्यान करने से चित्त एकदम निर्मल होता है। बोले ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम, चिरम चिरम दीर्घ काल तक ऐसा करते रहें तो लाभ होता है। महर्षि पत्नी ने लिखा सतु नैरंतरियेण दीर्घकालात् दीर्घकाल सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, उसका वर्णन है यहाँ पर। अच्छा भाई, अब बोले ध्यानाभ्यास करते 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 रहने से अंततः यह जो चित्त वृत्ति है ना, ये माता जी ऐसी है जैसे कि दिया जलता हो। बोले हैं, जो चित्त वृत्ति है ना मानो दिया जलता है, ये तेल इसमें वासना का भरा हुआ है, जैसे तेल जब तक है तब तक बत्ती जलती रहती है, भीतर वासना भरी हुई है, चित्त दिया में से ये बाती की तरह वृत्तियां निकलती रहती हैं। तीव्र ध्यानाभ्यास करो ना तो विषय का अभाव हो गया और वासना क्षीण होने से आश्रय का भी अभाव हुआ। तो यहां लिखा है मुक्ताश्रयम यरहि, ये 35वां श्लोक है, मुक्ताश्रयम यरहि निर्विषयम विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्चि। बोले जैसे तेल पूरा होने पर बत्ती बुझ जाती है, वैसे योगी के चित्त की जो वृत्तियां हैं वो शांत हो गई, निर्वाण हो गया। बत्ती का बुझ जाना इसको निर्वाण बोलते हैं। बोले निर्वाणम मृच्छति,
ऐसा अष्टांग योग का ध्यान माने धारणा आसन से शुरू करके यम नियम से लेकर के तो आखिरी तक बोलते हैं। अगले अध्याय में 29वें अध्याय में अष्टांग योग के बाद ध्यान रखना 27वें में अष्टांग योग, 28वें में, 27वें में प्रकृति पुरुष का विवेक किया गया, 29वें अध्याय में अब प्रभु कपिल भगवान भक्ति का मर्म समझाते हैं और बहुत तरह के भक्तों का यहाँ वर्णन है। ऐसा शीशा दिखाते हैं महाराज कि तबीयत हरी और भरी दोनों हो जाती है। बोले कोई जो है ना भक्ति करता है दूसरे को सताने के लिए, वो तामसिक भक्त है। भगवान की एक जगह मूर्ति बना करके मान करके और दूसरे के लिए कुछ अहित भाव लेकर के करे तो वो तामसिक है, तो फल के लिए करे तो राजसिक है। और मुझे करना है, सेवा करनी है, इतना दिया प्रभु ने, हाजिरी लगानी है ना, भाव सिद्धि के लिए कोई करे, बोले वो सात्विक भक्ति है। बोले भगवान को सब में न मान करके केवल प्रतिमा में भगवान को माने और बाकियों से वैर करे तो बोले ऐसा भक्त ढोंगी है। ये लिखा भागवत जी में, मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ भाई। बोले ऐसा बिल्कुल तामसिक है, वो दूसरों से बैर करे, घर में आकर के ना तो दो फूल चढ़ावे, बोले यहाँ तो भगवान है, बाकी जगह, बोले बाकी जगह शैतान ही रहते हैं। फिर तो व्यापक कौन हुआ फिर? व्यापक तो फिर भगवान ही, शैतान ही हो गया महाराज। बहुत नाराज हैं भगवान। ये सातवां पढ़िएगा अभी, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां श्लोक ऐसी है। भक्ति के बारे में बड़ी खुली खुली बात कह दी। बोलते हैं अंततः सात्विक भाव से प्रतिमा में भक्ति करनी चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम रूप से, और धीरे 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 भाव बढ़ जाए तो मदगुण श्रुति मात्रेण, ग्यारहवां श्लोक भक्ति का प्रवाह बता दिया, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसों बुधौ। बोले धीरे 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 प्रभु से ऐसा भाव बढ़ जाता है कि बस चित्त वृत्ति हमेशा प्रभु की ओर लगी रहती है, बहती है भक्त की, भगवान के गुणों का श्रवण करती है, कथन करती है, नहीं तो मौन होकर के उन्हीं को रिझाती है। वृत्ति का प्रवाह प्रभु में ऐसे होता है माता जी, जैसे गंगा जी सागर की ओर अविरल बहती चली जाती है, वैसे वृत्ति क्या लिखा है, अविच्छिन्ना यथा गंगाम भसोम बुधौ। बोले जैसे सागर में गंगा भगवती बही जा रही हैं, वैसे किसी भक्त की वृत्ति निरंतर निरंतर प्रभु की ओर बहती है, बहती है, बहती है। बीच में कोई आवे न तो पसंद नहीं करता हो। ऐसी भक्ति करनी चाहिए माता जी। प्रतिमा पूजन के बारे में ये आगे के श्लोक हैं, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, इतने श्लोक हैं। प्रतिमा पूजन कैसे होना चाहिए, प्रतिमा पूजन में दोष कहाँ है, कभी कभी दोष भी है ऐसा बताया है। बोलते हैं यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम आत्मानम ईश्वरम हित्वा आर्चाम भजते मौढ़्यात। बोले मैं सब जगह हूँ, उसका आत्मा भी हूँ, इस सब को छोड़ करके तो केवल अर्चा विग्रह में तो भजन करता है। बोले मूढ़ है वो, क्या कर रहा है, भस्म में आहुति डाल रहा है, भस्मनी एव ज्योति सह लुकड़ दोष।
सब जगह भाव होना चाहिए ना। पूजा घर में हाजिरी दो, उनको उपस्थिति अनुभव करो। इसका विज्ञान केवल इतना है कि पिताजी के सामने आपको लगता है कि मैं पुत्र हूं, नहीं, दादाजी के सामने लगता है तो मैं पौत्र हूं, भाई के सामने भाव जगता है कि मैं भाई हूं। तो कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके सामने ये लगे कि मैं भक्त हूं, ठीक है ना। क्योंकि बिना अपेक्षा के अपने भीतर वो पहचान उभरती नहीं। मैं भाई हूं ये कब लगता है? दिन भर लगता रहता है? ना ना ना, जब भाई सामने हो तब भाई लगता है, मित्र सामने हो तो मित्र भाव आता है। तो अब हर जगह तो मैं भक्त हूं ऐसा लगता नहीं, तो एक जगह तो ऐसी ठीक ठाक बनाओ भाई जिसके सामने खड़े होने पर केवल एक ही भाव जगे कि मैं इस समय क्या हूं? भक्त हूं। भगवान की अपेक्षा के बिना अपने में भक्त भाव जाग नहीं सकता। अपने में भक्त की जो पहचान है उसको जगाने के लिए प्रतिमा पूजन बहुत सार्थक उपाय है। फिर मैं भक्त हूं इस भाव को सींचा जाए, इसका विस्तार किया जाए और दिन भर प्रत्येक चेष्टा में ये भाव बना रहे कि मैं जो किसानी करता हूं वो भी एक भक्त के रूप में ही करता हूं, दाम्पत्य जीवन जीता हूं वो भी भक्त के रूप में ही करता हूं, मेरी जो पहचान है मूल वो भक्त की है, इसके ऊपर मैं भाई दादा दादी पिता सब हूं, लेकिन मूल में मेरी एक ही पहचान है, उसका नाम है भक्त। मनियत सब ही राम के नाते। एक बार आदमी भक्त हो जाए ना फिर उसका हर कर्म भक्ति हो जाएगा, लेकिन अफसर हो जाए तो हर कर्म अफसर ही होगा फिर, नहीं क्या? आप क्या बन के बैठे हो उसी हिसाब से आपके सारे कर्म होते हैं। एक व्यक्ति लोभी हो तो महाराज वो दान भी करेगा ना तो उसे बोलेगा इसमें फायदो सूचे। अब किसी को देखा इसलिए याद आ गया गुजराती। इसमें बोलो मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मंथली एक मैगजीन ही लगा दो हमारे नाम से। देखो कुछ तो करी दो आप, ना हो तो पत्थर लगाओ भाई ज्यादा दे दूंगा तो। कुछ तो हो ही जाता है। इस पहचान को दृढ़ करने की जरूरत है, लेकिन अंतिम बात यही होनी चाहिए कि वो हर जगह हर क्रिया में मेरा एक ही रूप रहे, भक्त भक्त भक्त। अर्चा से शुरू हो लेकिन हो जाए फैल जाए सर्वत्र, असली बात तब है। सुतीक्ष्ण भगवान की याद आती है इसको देख के। वो बोलते हैं महाराज मुझे सब भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन अस अभिमान जाऊं नहीं भोरे, मैं रघुपति मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये हमेशा याद रहे, ये मेरी पहचान आंख खोलूं तब से लेके आंख बंद करने तक बनी रहे। और सुपरफिशियल लेवल पे मैं माता पिता भाई बंधु व्यापारी किसान प्रवचन करने वाला साधु सब बड़ा सुपरफिशियल मालूम हो कि ये ऊपरी सतह पर है, बेकार है, कभी होगा कभी नहीं होगा। मूल में तो मैं केवल भक्त हूं, ये बात सिद्ध कर लो। अब कपिल भगवान ने देहाभिमानियों की दुर्गति बतानी शुरू करी 30वें अध्याय में। बहुत दुर्गति बताई महाराज, आप शाम को मैं नहीं बोलता आप बोल लेना, पढ़ लेना उसको। बोले ये तो मैंने अंत नहीं है, पता नहीं कब क्या बनेगा कब क्या बनेगा। फिर से बूढ़ा होता है, फिर खांसता है, फिर
फिर पता नहीं क्या क्या करता है, फिर जाके गर्भ में निवास करता है। मुंह बंद, कान बंद, नाक बंद, सांस भी नहीं ले सकता, छोटी सी जगह में उल्टा पड़ा रहता है 9 महीने, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं। हाय चलिए, कभी मन में आती है बात तो बड़ा मज़ा आता है, बोले ऐसी जगह मैं था और फिर से उधर ही जाने की है तैयारी हो, ये तो गड़बड़ बात है। तो ये वर्णन किया है वैराग्य वर्धन के लिए। और फिर मनुष्य योनि में आए हुए जीव क्या क्या कर सकते हैं, किधर जा सकते हैं, उसका वर्णन किया 31वें अध्याय में। और अब दो तरह के मार्ग जो गीता में 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, धूम मार्ग और अर्ची मार्ग, माने उत्तरायण और दक्षिणायन, ये दो सत्कर्मियों के दो मार्ग हैं। एक सत्कर्मी है, केवल सत्कर्म करता है, दक्षिण मार्ग से जाता है, स्वर्ग आदि लोकों को जाता है। एक सत्कर्मी है, सत्कर्मों से प्रभु को रिझाता है, वो उत्तरायण मार्ग से जाता है, ब्रह्मलोक आदि तक जाता है, इसका वर्णन किया है। और फिर अंत में कपिल भगवान ने कहा, माता जी मैंने काफ़ी बता दिया आपको, अब आप साधना करो और मुझे धीरे से अनुमति दो। लो जी महाराज, पहले पतिदेव चले गए थे, अब उपदेश पूरा हुआ, तो कपिल भगवान ने कहा कि अब मैं चलता हूँ। वाह 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 वाह, तो चले महाराज। इति प्रदर्श भगवान, 33वां अध्याय है। इति प्रदर्श भगवान सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या। 33वें अध्याय का 12वां श्लोक। इति प्रदर्श भगवान सतीं तामात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोनुमतो ययौ। कपिल भगवान ने अनुमति ली और माता जी ने उनको अनुमति दे भी दी और वो चले भी गए, ययौ गए वहाँ से। सा चापी, अब माता जी क्या करती हैं, वो आश्रम में अब अकेली हैं, तीव्र साधना की महाराज, क्योंकि अब उनको साधन मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, ध्यान का स्पष्ट है, भक्ति का स्पष्ट है, अर्चा विग्रह की पूजा करना स्पष्ट है। तो त्रिकाल स्नान करती हैं, ध्यानाभ्यास करती हैं, भक्ति करती हैं, धीरे 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 सारे कषाय उनके दूर हो गए। और यहाँ लिखा ये 27वें श्लोक में, नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा। आज उनको चेतन से गुणों के संबंध का जो भ्रम था ना, वो टूट गया, त्रिगुणातीत भाव में चली गई। न सस्मार तदात्मानम्, इस शरीर को वो याद ही नहीं करती। कैसे याद नहीं करती, जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष अपने शरीर को, स्वप्न वाले शरीर को पक्का नहीं मानता, जैसे जागने पर आप खुद कहते हो कि ना 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 मैं वो शरीर थोड़ो था, वैसे देवहूति जी इस शरीर को बोलती हैं, ना ये तो हूं नहीं। दृष्टांत बढ़िया है, कभी इस पर मनन करना। न सस्मार तदात्मानम् स्वप्ने दृष्टम इवोत्थितः, उठ गई हैं। आखिरी कैसा हुआ देवहूति जी का, बोले जब उनका शरीर एकदम निर्मल, शरीर भी निर्मल हो गया तीव्र समाधि के अभ्यास से, तो अंततः माता जी का शरीर न नदी के रूप में पिघल गया, एक नदी जो है बह गई, ऐसा देवहूति का अवसान नदी के रूप में हुआ। लिखते हैं, तद विरासीत पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्य विश्रुतं नामना सिद्धपदं यत्र सासं सिद्धिमुपेयुषी तस्यास्तत्
तस्यास्तद्योग विधूतमार्त्यम मर्त्यम भूत सरित स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। तो एक स्रोत के रूप में देवहूति बदल गई, वो तो पहले ही जीवन मुक्त हो चुकी थी। कपिल भगवान भी समुद्र की तरफ चले गए, वहां उनको सम्मान मिला है और उनका कैसे अवसान हुआ वो बताया नहीं यहां पर। इस तरह से तृतीय स्कंद की समाप्ति हुई। सो तृतीय स्कंद में विदुर भगवान के स्मरण से स्कंद शुरू हुआ, उद्धव जी से मिलन हुआ, फिर मैत्रेय ऋषि से मिलन हुआ। एक बार चित्त में याद कर लें, मैत्रेय ऋषि से उन्होंने सृष्टि के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे, सर्ग और विसर्ग दोनों के बारे में। विसर्ग का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी का प्रकरण आया और उसी में मनु का प्रकरण आया और मनु महाराज के प्रकरण में ही वराह भगवान के अवतार का प्रकरण आया। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याक्ष के निमित्त से फिर जय विजय का प्रकरण आया। जय विजय किस तरह से स्खलित हुए, किस तरह से दिति माता के गर्भ में गए और कैसे उन्होंने सारी सृष्टि में तो एक अनिष्ट की आशंका पैदा करी। इसके बाद मनु महाराज के संतानों का वर्णन शुरू हुआ। अब तक तो मनु महाराज की बात चल रही थी, अब मनु महाराज के संतानों का वर्णन हुआ। सबसे पहली संतान का वर्णन हुआ क्या, देवहूति का। अब चतुर्थ स्कंद में आकूति प्रसूति। महाराज पहले तीनों लड़कियों का ही वर्णन होता है, बाद में उत्तानपाद का और उसके बाद फिर प्रियव्रत का वर्णन होगा। तो भागवत जी में ये पांचों संतानों के लिए बहुत वर्णन है, उन्हीं के वंश का विस्तार है। सो आकूति के पुत्र तो यज्ञ हो गए, लेकिन जो प्रसूति है ना, ओफो, उनकी इतनी कन्याएं हुई और एक एक की शादी आप नाम नहीं गिन सकते महाराज, इतना इसमें विस्तार है। एक एक का विवाह हुआ और उसमें एक का विवाह, प्रसूति के पति का नाम क्या था मुझे मालूम है, इतना याद थोड़ो रहेगा, मुझे ही मुश्किल हो जाती है। दक्ष प्रजापति। तो उनकी एक कन्या थी सती, प्रसूति की एक कन्या थी सती। और हमारे मैत्रेय जी कहते हैं कि ये सती जी ने एक बार कोप करके यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उनके पतिदेव भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान किया था। जब ये उन्होंने कहा तो विदुर जी तब तक तो सुन रहे थे कि इसका विवाह किससे हुआ, किसका विवाह किससे हुआ। सडनली बोले, महाराज जरा रुको, ये मुझे बताओ कि शिव जी से दक्ष का क्या मनोमालिन्य कैसे हो गया। उस प्रसंग को हम थोड़ा लेते हैं, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं एक दो मिनट। नारायण नारायण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय 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 यैदम् अनुश्रुणोति योभिधत्ते कपिल मुनेर्मतमात्मयोग गुह्यं भगवति कृतभिः सुपर्णकेतावुपलभते भगवत्पदारविन्दम् इति तृतीयस्कन्धः समाप्तः अथ चतुर्थः मनोस्तु शतरूपायां तिस्रह कन्याश्च जग्निरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकोतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिः तस्यामजीजनत् मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। तो ये प्रथम स्कंद के कुछ शुरू चतुर्थ स्कंद के शुरू के मंत्र हैं जिसमें तीनों कन्याओं का स्मरण किया गया, आकूति, प्रसूति और देवहूति। आकूति को तो रुचि को प्रादात, रुचि प्रजापति को दिया गया, लेकिन शत्रुपा जी को बड़ी इच्छा है कि इसका जो बेटा होगा ना पहला, वो मेरा बेटा कहलाएगा। नानी कहलाने का शौक नहीं है। अब शास्त्र में विधि है, इसको बोलते हैं पुत्रिका धर्म। ये शब्द आया है पुत्रिका धर्मम आश्रित्य। उनको इच्छा है, जिसको औरस पुत्र आप कहते हो, क्या बोलते हैं, अडॉप्टेड सन जैसे बोलते हैं, लेकिन ये अपनी पुत्री के प्रथम पुत्र को माता अपना पुत्र बना सकती है। बना सकती है माने केवल लीगली नहीं, बल्कि वह पुत्र फिर अगर पिंडदान करता है, आया पकड़ में, तो वह पिंडदान माता को मिलता है। अगर लड़की को पिंडदान का कदाचित अधिकार नहीं भी है, तो पुत्रिका धर्म से अगर विवाह हुआ हो पहले से, तो फिर पुत्री के संतान का जो किया हुआ भी जो भी कृत्य है,
कर्म है, पिंडदान आदि कर्म है, वो सब के सब फिर उसको मिलते हैं। ध्यान रखना, ऐसी बातों में ना बुद्धि प्रमाण नहीं है, ऐसी बातों में शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि श्राद्ध में ही शास्त्र प्रमाण है। तो श्राद्ध की विधि क्या होगी, किसके हाथ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इस विषय में हमारी जिद या हमारा तर्क वितर्क प्रमाण होता नहीं। ये एक चीज लीगल होती है, एक चीज शास्त्रीय होती है। तो केवल संकेत करने के लिए मैंने बोला कि ऐसी एक घटना भागवत जी में घटी। फिर दक्ष प्रजापति ने बेमन से, बिल्कुल नहीं उनकी इच्छा थी कि शिवजी से शादी करवाई जाए, लेकिन महाराज अब सती जी का क्या करना, प्रीति पुरातन लखे न कोई, वो जगदम्बा भवानी है, तो विवाह हुआ। और इस बीच में आप कथा रामायण के कारण काफी अच्छी तरह से जानते हो, जब इन्होंने कहा कि सती जी को शिव जी के अपमान के कारण क्रोध हुआ और उन्होंने योगाग्नि में आत्मदाह कर लिया, तो विदुर जी महाराज बोले अरे ये दक्ष जी तो दुहितवत सलह, दक्ष जो हैं अपनी पुत्री के बड़े माने वात्सल्य से भरे हुए पिता थे, और शिव जी महाराज ओहो उनका क्या कहना, भवेश शीलवताम श्रेष्ठे, वो तो शीलवानों में श्रेष्ठ हैं, हमारे शिव जी महाराज से बड़ा शीलवान कौन हो सकता है, विदुर जी बोलते हैं। भवे भवे माने शिव जी, भवे शीलवताम श्रेष्ठे, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। एक तरफ शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ और एक तरफ अपने आखिर बेटी के बाप थे दक्ष, तो ये मनोमालिन्य कैसे हो गया, विद्वेषम अकरोत कस्मात, ये क्यों विद्वेष हुआ। आगे तो क्या बोलते हैं, ये दूसरा चतुर्थ स्कंद का दूसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक, बोले शिवजी महाराज का किसी से क्यों विद्वेष होगा, भाई वो कुछ रखते ही नहीं, जो चाहिए ले जाओ, बोले यहां से हट जाइए, चलो हट जाते हैं। भाई विद्वेष तो तब हो जब कोई चीज पजेस करने की इच्छा, वो तो गुरु हैं, क्या लिखा, कस्तम चराचरम गुरु कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, ये भागवत जी का कैसा बोलते हैं विदुर जी, चराचर गुरुम, पेड़ों को भी वही पढ़ाते हैं, लो जी चराचर के गुरु हैं, कस्तम गुरु रूप है शिव जी का। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपी, कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम, शिवजी महाराज का ऐसा व्यक्तित्व है, विदुर जी कहते हैं उनका किसी से वैर ही नहीं होता, भगवान का एक रूप ऐसा है पालन करने वाला, वहां तो दूसरे से वैर लेना पड़ता है, जब भगवान विष्णु रूप में होते हैं वहां तो भाई तो मरना पड़ता है लोगों को, परित्राणाय साधु नाम तो आगे वाला भी है फिर विनाशाय च, लेकिन शिवजी महाराज का चूंकि पालन की भूमिका नहीं है, गुरु रूप हैं, तो असुर भी उनके भक्त हैं तो सुर भी उनके भक्त हैं। निर्वैरह ये शब्द है, कहीं वैर होता ही नहीं, वहां रावण अभिषेक करता है, यहां राम जी रामेश्वर में करते हैं, दोनों जगह मस्त रहते हैं, वो बोले ठीक है, लेना देना न कुछ नहीं। समुद्र मंथन हुआ, देव असुर दोनों मंथन कर रहे हैं, वहां कोई गैर हाजिर था तो वो केवल शिव जी जा रहे थे, बोले चाहिए ही नहीं कुछ, मरो आपस में करो जो करना हो। लेकिन महाराज जब विष निकला, ओ वाह थे नहीं, विष निकला, त्राही त्राही हुई, बोले चलो अब तो चलना ही पड़ेगा, अब ये बच्चे जो हैं खुराफात करते हैं, फिर तो जाके उन्होंने विष पान किया और फिर चले आए। बाकी जो 13 रत्न निकले उसमें किसी ने याद भी नहीं किया और इन्होंने भी नहीं याद किया।
कोई बंटवारा नहीं, कुछ चाहिए नहीं। सन्यासियों के राजा हैं वो, ऐसा रूप है। बोलते हैं कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरह, आगे क्या लिखा, शांत विग्राम, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसा रूप है मालिक का। विदुर जी कहते हैं उनसे और किसी का बात होती थी ना, वे पूछता नहीं कैसे झगड़ा हुआ, लेकिन शिव जी से क्यों किसी का होना भाई। बोलते हैं कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, इतना ही नहीं आगे देखो, ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, मुझे तो आगे जाना पड़ेगा। हमारे मालिक का है तो फिर मन खिंचता है। बोले आत्मा रामम, वो भी नहीं कि कोई ऐसी वैसी बात है, चित्त में बैठे, नो 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 नो। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतः दैवतम महत। बोले ये दुनिया तो पूरे दुनिया के आराध्य हैं वो, जगतः दैवतम, जगद आराध्य हैं, आत्मा राम है, चराचर के गुरु हैं, उनका किसी के साथ द्वेष क्यों होगा। एतद आख्या ही में ब्रह्मन, मुझे ये बताओ ये सब हुआ कैसे। बस मैत्रेय जी हंसे, बोले महाराज ये काम शिव जी की वजह से नहीं हुआ, ये दक्ष महाराज को जना नशा चढ़ गया था। दक्ष महाराज को पद बहुत बड़ा मिला, प्रजापतियों में भी श्रेष्ठ माने गए क्योंकि बड़े कुशल थे, दक्ष नाम ही है। तो एक सभा में महाराज ये पहुंचे, शिवजी महाराज पहले से ही बैठे थे। अब हम मनोविनोद में बात बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा लेट आए, तो शिवजी ने याद क्या करना है, अब वो प्रतीक्षा क्या करनी, आंख बंद कर ली, उनको आंख बंद करने पर कोई देर तो लगती नहीं ध्यान में जाने में। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि, ओ महाराज बैठ गए। इस बीच में दक्ष जी आए, सब खड़े हुए, इनको पता ही नहीं चला होगा कि ये कब आ गए। बस महाराज इट वॉज ए ग्रेट इंसल्ट, दक्ष को लगा कि जानबूझ करके ये खड़ा नहीं हुआ तो हमारा अपमान किया, भरी सभा में हमारा छोटा हो करके जामाता हो करके ऐसा करता है, और फिर बहुत उनको डांट लगाई। शिव जी महाराज कुछ बोले नहीं, आई टेल यू, चुपचाप बैठे देखते रहे, उसको मुस्कुराते रहे। बढ़िया प्रकरण है। फिर श्राप दिया उसने, जब श्राप दिया और थोड़ा सा अटपटा वचन शुरू हुआ तो नंदी बाबा वहीं बैठे थे, बोले हमारे मालिक तो बोलने वाले हैं नहीं, मैं ही शुरू करता हूँ फिर। तो इनकी शापा शापी शुरू हो गई, दोनों की शुरू हो गई। शिवजी महाराज धीरे से उठे, तस्यैवं वदतः शापं भृगो हो स भगवान भवः निश्चक्राम ततः किंचित विमना इव सानुगः, खिन्न से हो करके चले गए। बोले यहाँ तो गड़बड़ हो गया काम। दक्ष को याद रहा महाराज, बदला लेने के लिए उसने फिर महान यज्ञ किया, कितना खर्चा किया, किस लिए, बदला लूंगा मैं, भरी सभा में बुलाया नहीं महाराज। ये देवता लोग भी बड़े मजेदार हैं, देवताओं के इनविटेशन में शायद ये लिखा होगा कि आते समय कैलाश पर से होते हुए आना। देवता सारे उड़ान भरे। सती जी ने पूछा ये क्या है, ये सब कहाँ जा रहे हैं। शिव जी मानी नहीं तो शिव जी ने कहा आपके पिताजी के यहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहीं ये लोग जा रहे हैं। बोले हमको बुलाया नहीं। बोले नहीं आपकी कोई बात नहीं है, हमारे साथ एक बार कुछ हो गया था इसलिए नहीं बुलाया। ओफ हो, देखो सती जी
ये जो छह चीजें हैं ना, बड़ी अच्छी चीज मानी जाती हैं। लिखा है विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल। ये 17वां तो श्लोक है। विद्या तपो वित्त वपुहु, तीसरे अध्याय का। विद्या तपो वित्त वपुहु वयह कुलैः ही सताम गुणैः ही षड्भिः असत्तम इतरैः। बोले ये छह की छह चीज फिर देख लें। विद्या, तप, धन, बढ़िया शरीर, सुदृढ़ शरीर, जवानी और खानदानी होना। बोले अच्छे लोगों में छह हो तो सदगुण है, यही चीज बुरे लोगों में हो जाए, अशुभ संस्कार वाले में दुर्गुण हो जाता है। विद्या, बोले अभिमान हो गया विद्या का, विद्वान व्यक्ति जब नुकसान करता है बहुत नुकसान करता है। तप, दुष्ट में हो, रावण आदि में देखो दुर्गुण हो गया। धन, दुष्ट में हो दुर्गुण हो गया। सुदृढ़ शरीर, दुष्ट में हो ओफ ओफ। यो जवानी, दुष्ट में हो गड़बड़ हो गई। और कुलाभिमान हो जाए, अगर दुष्ट व्यक्ति हो कुलाभिमानी हो जाएगा। बोले महाराज आप कहना क्या चाहते हो? बोले आपके पिता में छे हो हैं। तरीके से बात की है। बोले आपके पिताजी में छे हो हैं, लेकिन अब आप देख लो गड़बड़ हो रही है कुछ कुछ। अब हमने नमस्कार नहीं किया उनको एक बार ऐसा, और फिर वो तब से नाराज हैं। और आप कभी मुझसे ये भी पूछ सकती हो कि आप उनसे छोटे थे, बेटे के समान थे, आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? सती जी ने पूछा नहीं, लेकिन शिव जी ने कहा पूछ सकती हो कि आखिर हमारे पिताजी थे और आपका बनता था नमस्कार करना, तो आपने नमस्कार क्यों नहीं किया? बोले हमारे जैसे लोग किसी को नमस्कार करते हैं उसके उस देहाभिमानी को नमस्कार नहीं करते। शिव जी का यहां बड़ा साफ साफ कहना है, हमें, हम पूरी दुनिया को नमस्कार करते हैं, लेकिन दुनिया में प्रभु को देखते हुए करते हैं, अभिमानी को प्रणाम नहीं करते, अंतर्यामी को करते हैं। वो जो तुम्हारा पिता था ना, उस समय पूरा अभिमानी होकर के आया था। तो ऐसे लोग तो चाहे जो भी मर्जी हो, कितने भी ऊपर हो, हमें वो प्रणाम करने लायक दिखाई नहीं देते। श्लोक है ये 22वां 23वां। प्रत्युगम प्रसरणाभिवादनम विधीयते साधुमितः सुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने। मिला ना? न देहमानिने, देहाभिमानियों को हम प्रणाम नहीं करते। फकीरी है मालिक साहब की। बोले अंतर्यामी प्रभु की झांकी मिलती हो किसी के व्यक्तित्व में, वो बच्चा भी होगा तो हम प्रणाम कर देंगे। प्रभु झांकना चाहिए उसके बातचीत में, उसके बोलचाल में। अभिमान ही अभिमान दिखाई देता हो तो चाहे वो भगवान, चाहे जो मर्जी हो, हम नहीं करेंगे, फिर क्या करोगे? बोले आपको मालूम है लोगों के हृदय में मालिक साहब रहते हैं। सती जी, सत्वम देखना, श्लोक बहुत प्यारा है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। हमारे हृदय में अगर सत्वगुण विशुद्ध हो ना, विशुद्ध अंतःकरण हो, शिव जी कहते हैं उन्हीं का नाम है वसुदेव। लिखा मिला आपको 23वां श्लोक है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम शब्दितम यदि यते तत्र पुमान पावृतः। वहीं पर परम पुरुष छिपा हुआ है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवः। उस निर्मल अंतःकरण में हमको प्रभु के होने की झांकी मिलती है। और फिर मे नमसा विधीयते, हम उसको नमस्कार करते हैं।
लेकिन किसी का अंतःकरण अभिमान से लबालब भरा पड़ा हो, पद के कारण, धन के कारण, कुल के कारण, तो हम कहते हैं मुबारक हो, रहने दो, इसलिए तो हमने नहीं नमस्कार किया। सती जी ने कहा मुझे जाना है, बोले मैं समझता हूँ आपका कल्याण नहीं होगा, अगर एक बार कहीं द्रोह हो गया हो तो नहीं जाना चाहिए, मानी नहीं। गई और आप जानते हो कथा, वहाँ उनका अपमान हुआ तब तक तो सहती रही, लेकिन जब शिवजी का अपमान हुआ तो ऐसी पति निष्ठा है, जब तक शिवजी के साथ थी ना वो कई बार पता नहीं लगता है, जब वियोग में ज़्यादा पता लगता है। बोले तुम्हारे इस शुक्र से ये शरीर बना है, मैं रखना नहीं चाहती इसको, और फिर महाराज उन्होंने देह समाप्त कर दिया। फिर वीरभद्र इत्यादि ने यज्ञ ध्वंस किया, दक्ष का सिर ही काट लिया। विदुर जी फिर ऐसा हुआ, सब लोग मिल मिला करके पहुँचे कैलाश शिव जी के पास, बड़ी प्रार्थना की तो शिव जी ने इनका बकरे का सिर लगाया, तो दक्ष फिर से जिंदा हुए। पता नहीं क्यों ये सिर लगाया, शायद मैं बोलता है इसीलिए लगाया होगा, क्योंकि सिर ही लगाना था दूसरे का, तो कोई और भी सिर लगा सकते थे, लेकिन ये मैं बोलता है, शायद यही योनी है होगी। सावधान रहना भाई, बहुत मैं मत बोलना, नहीं तो आगे का कुछ पता नहीं, ये वर्णन किया है। और इसके बाद वो दक्ष के यज्ञ की पूर्ति हो गई, तो इस तरह से प्रसूति के वंश का वर्णन हो गया, आकूति के वंश का भी वर्णन हो गया, देवहूति के वंश का भी वर्णन हो गया। मैं बीच में सुनाना भूला कि देवहूति की जो नौ कन्याएं थीं उनका विवाह महाराज कर्दम ऋषि ने खुद करवा दिया था, तब गए थे, क्योंकि सब लोगों को सुनना चाहिए ये बात। हाँ, तो कर्दम ऋषि ने स्वयं नौ कन्याओं का नौ प्रजापतियों से विवाह करवाया, और तब बाद में कपिल भगवान का अवतार हुआ। तो ये तीनों लड़कियों के वंश का वर्णन करने के बाद भागवत जी में अब मनु महाराज के दो पुत्रों का वर्णन है। थोड़ा मैं बोलता हूँ, 15 मिनट और आप चल जाएगा ना, और नहीं चलेगा तो हम चलाएंगे, उसमें क्या है। और तो चलाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कथा तो आगे बढ़नी चाहिए। बोलते हैं मनु महाराज के जो बड़े लड़के थे, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। नाम बड़ा जोरदार है, उत्तानपाद नाम है उनका। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि, बहुत बढ़िया टेस्ट था उनका। सुरुचि हैं वो, सौंदर्य बोध बहुत अच्छा है। दूसरी है सुनीति, आप जानते हो जिसका टेस्ट अच्छा हो, सुरुचि हो, उसका पुत्र उत्तम होगा, नेचुरल है। लेकिन जो सुनीति है उसका पुत्र ध्रुव होगा। नाम देखो जरा, सुनीति का पुत्र है ध्रुव, सुरुचि उसका पुत्र है उत्तम। और सब लोग जानते हैं कि रुचि के पीछे दुनिया भागती है, नीति के पीछे सभी लोग जाते नहीं। हालांकि आदमी के साथ नीति लगी रहती है, लेकिन नीति ना कई बार पसंद नहीं आती, बोले नीति के कारण मेरा काम बिगड़ गया, मैं भी औरों की तरह चलता तो बन गया होता। तो सुनीति पर इतना प्रेम नहीं था उत्तानपाद का, तो सुरुचि पर था, और सुरुचि का इतना मन बढ़ा हुआ महाराज की क्या बताएं। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, अपने पिता की गोद में चढ़ना चाहते थे, अधिकृत थे, लेकिन फिर तब तक, और चढ़ भी गए थे,
तब तक वो आ गई सुरुचि और बड़ा कठोर बोला महाराज, बोले तुम्हारे पिता हैं वो तो ठीक है, लेकिन तुमने इतना पुण्य नहीं किया कि उनकी गोद में बैठो, तुम फिर से मेरे गर्भ से जन्म लोगे ना तब ये गोद तुमको मिलेगी, इतना अभिमान है। क्या मतलब है? अब उनके गर्भ से जन्म लेने का मतलब है पहले मरो, बहुत कठोर बात है। ध्रुव जी को पकड़ के उतार दिया, और पतिदेव इतने आज्ञाकारी पति हैं, बहुत ही सुशील पति, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल मोम की तरह चुपचाप बैठे। आखिर उनको शांति घर में चाहिए, तो वो कुछ बोले नहीं महाराज, पुत्र का अपमान देखते रहे। वो बेचारा गया अपनी माता के पास। ये कथा बहुत जबरदस्त है। दुनिया की गोद ऐसी है, अधिकृत भी हो ना तो आदमी कई बार उतार लिया जाता है। ध्रुव जी की कथा कहीं ये संकेत करती है कि अधिकार होने से, योग्यता होने से कोई चीज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। आपको लगता नहीं? आखिर पुत्र का अधिकार है कि वो पिता की गोद में बैठे, और ध्रुव जी कोई दुशील नहीं थे तो उनकी गोद में बैठना उनकी योग्यता थी, लेकिन बैठने नहीं दिया गया। और परिस्थिति ऐसी है कि जब अपने माँ के पास गए तो उनकी माँ जो है रोने के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी। बोली, बेटा मेरी इस घर में स्थिति दासी से भी कमजोर है, दासी का फिर भी सम्मान है, मेरा नहीं है, इसलिए तो मैं कुछ कर नहीं सकती। सुरुचि ने कहा था तुम भगवान का भजन करो, पुण्य इकट्ठा करो, फिर मेरे गर्भ से आओ। तो ध्रुव ने बताया कि ऐसा कहा मेरी बड़ी माता ने। तो बोले, वो ठीक कहा उन्होंने, भजन करो। यह जो दरवाजा है, अगर दुनिया के दरवाजे बंद भी हों तो एक दरवाजा ऐसा है जो जीव के लिए कभी बंद नहीं होता। ध्रुव जी की कथा ये सुनाती है। पिता का दरवाजा बंद, माता का दरवाजा बंद, खुद अपनी माता का दरवाजा बंद, कोई मदद करने के लिए नहीं है। राजकुमार हैं लेकिन कहने के लिए राजकुमार हैं, कोई सामने आता नहीं। ऐसी परिस्थिति है, बिल्कुल बाहर से कहीं कोई मदद की आशा नहीं। ये ध्रुव जी की कथा का एक एंगल है, ये थोड़ा बड़ा। लेकिन आप जानते हो सब व्यवस्था एक तरफ, एक द्वार हमेशा खुला रहता है। बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है आदमी के सामने जब दरवाजे खिड़कियां सब उसको बंद दिखाई देते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी कोई मदद नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो कर नहीं सकता, विवश है। सुनीति आखिर माँ है, वात्सल्यमयी है, लेकिन फिर क्या करें, उनके पास सामर्थ्य नहीं। तो ध्रुव ने जो किया ना वो हम सबको करना चाहिए, और भजन में मन लगाया। जब चले हैं तो नारद जी ने देखा, ऊपर से देखा, ओहो, बोले बताओ, क्षत्रियों का तेज देखो, ये 5 साल का लड़का चल पड़ा तप करने के लिए, 5 साल के बच्चे का मान क्या, अपमान क्या। उसको जाके समझाते हैं, अरे अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। ये क्षत्रिय का तेज माने जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना क्षत्रिय का, रजस प्रधान सत्व, तो उसके पीछे तमस, सत्व तो उपसर्पी रजस, ऐसा यह जो कंस्ट्रक्शन है, यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आजकल बोलते हैं केमिस्ट्री है,
उसकी स्थिति यह है कि वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो 5 साल का बच्चा है, अमरुष, बस सहन अमरुष इतना है, असहिष्णुता है, बोले नहीं इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नारद जी ऊपर से देखते हैं, बोले देखो दिस इज द करेक्टर। अहो, ये 26वां श्लोक है 8वें अध्याय का। अहो तेज क्षत्रियाणाम मानभंगम अमृष्यता बालो अपि अयम हृदा धत्ते। ये इतना छोटा बालक फिर हृदय में धारण करके बैठा हुआ है, समझाने की कोशिश करते हैं उसको, वो मानते नहीं। नारद जी ने कहा भाई बहुत कठोर होता है तप करना, जंगल में रहना। बोले महाराज आधी सिद्धि तो वैसे ही हो गई, आप मिल गए रास्ते में, तो ये शुभ लक्षण है। नारद जी प्रसन्न है, बोले कोई बात नहीं, करो तपस्या, मैं बताता हूं तुमको तरीका। और फिर उन्होंने पूरी विधि, देखो कहाँ जाना, जगह बताई। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे तत्तात गच्छ भद्रम ते। 42वां श्लोक है। नारद जैसा कोई गुरु मिल जाए, निर्देश देने वाला मिल, जगह बताई कहाँ जाना, तत्तात। 42वां श्लोक है 8वें अध्याय का। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे हे। वहाँ क्या करना, वहाँ जाके रहो, करना क्या, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्याः सलिले शिवे, मंगलमयी कालिंदी में स्नान करना और फिर संध्या इत्यादि करके कल्पिता आसन, आसन बढ़िया लगाओ। फिर प्राणायामेन त्रिवृत्या प्राणेन्द्रिय मनोमलम, प्राणायाम करना। ये मैंने ध्रुव जा करके सीधा ऐसे शुरू हो गया, ऐसा नहीं है, साधना का पूरा विज्ञान ध्रुव ने पालन किया है। आसन लगाया उसने, प्राणायाम किया उसने, लिखा है ध्यान किया उसने, ध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम, गुरुओं के गुरु का ध्यान करना और फिर प्रभु का ध्यान करना, वो पूरा वर्णन बताते हैं क्या रूप है। भगवान विष्णु का ध्यान करने की बताई, बोले हमेशा तो ध्यान नहीं कर सकते दिन भर, तो जप करना, मंत्र दिया है ये 54वें श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण अनेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः। बोले इस मंत्र से, इस मंत्र का जप करना, उससे भी मन भरे तो फिर भगवान के विग्रह की पूजा करना, उनका अभिषेक करो, कुछ पत्ते चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ। दिन भर का कार्यक्रम दे दिया। लिखते हैं सपर्याम विधि विविधैर द्रव्यैहि देशकाल विभागवात् विभागवित् सलिलैहि शुचिभिः माल्यैहि वन्यैहि मूलफलादिभिः। बोले जरूर देना, नैवेद्य ले आओ, जंगल का फल मूल जो भी है ले आके चढ़ाओ, पूजा करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, पूरी विधि जप करो। तो ध्रुव जी की साधना में ये सब चीज शामिल है, दिन भर का कार्यक्रम है। स्नान करो, बोले वो भी एक साधना है। और इस तरह से तीव्र रीति से जब तुम साधन करोगे, दिन भर एक साधना नहीं हो सकती, तो तरीके से बदल बदल के करो, निश्चित सिद्धि होगी। ध्रुव जी महाराज साधना में तत्पर हो गए, और थोड़ा समय लगता है साधना में, तो अब कल हम जो है उनकी सफलता का यशोगान करेंगे। आज आरती करते हैं। ओम तत्सत।